टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामो और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। Welcome to the मजेदार शो विद आदि और फैजान सीजन 2। उम्मीद करता हूं आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा और ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया होगा अपने वीकेंड में चार चांद लगाने के लिए। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराता हूं हमारे सिंगर और बैंड काशिफ भाई एंड द कराची बॉयज। काशिफ भाई कैसे आप? जी फैजान भाई बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में ऑल राइट। जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फनियर हाफ की। बहुत सारी थाली आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि अधीरम जो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आदि भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आदि भाई क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा खास, लेकिन एक चीज बड़ी खास चल रही है। क्या? हमारे शहर में सड़कें बन रही हैं। अच्छा, खड्डों को भरा जा रहा है। वाह। और उसके बाद सीवीओ को साफ किया जा रहा है। अच्छा, सीवीओ पे ब्यूटिफिकेशन हो रही है। तो ये अचानक एकदम कैसे काम शुरू हो गया? क्योंकि कहते हैं कि अगर बजट यूटिलाइज नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे मिलेगा। हर बार एक वक्त आता है जब आपको नजर आता है कि लोग खड्डे भरना शुरू हो गए अचानक से। हाँ, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही अगला बजट आएगा तो हम याद आएगा, ओ इसमें तो पाइप नहीं डाली। हाँ। ओ उसमें तो तार नहीं डाली। अच्छा। तो बस वो अभी कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए अच्छा लग रहा है। लेकिन एक चीज जो कमेंडेबल मैंने अभी दो तीन दिन पहले इंटरनेट पे देखी वो ये कि डिफेंस व्यू में एक एरिया था जो एक जैसे कहते हैं ना सैलाबी नाला उसे कहते हैं। जी जी जी। या बरसाती नाला उसे कहते हैं। वो बड़ा जबरदस्त उन्होंने दोनों तरफ रोड्स बना के उसको बड़ा क्लीन, पहले वहां बड़ा कचरा होता था, कचरा सारा साफ किया गया है, बड़ी अच्छी रोड्स बनाई गई है। मैं उम्मीद करता हूँ वो वैसे ही रहेगा और उसके मोहल्ले वाले भी उसका ख्याल रखेंगे। ये नहीं कि सिर्फ जी गवर्नमेंट का काम है, आपका भी काम है कि अपने मोहल्ले को साफ रखें, अपनी गलियों को साफ रखें। बिल्कुल। तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, वो देखने में अच्छा लग रहा। बस अब मेरी एक ख्वाहिश है कि वो जो हमारा मेन सीवीओ है उधर वो जो एक गंदा नाला निकलता है जो कि नाला निकल के सीवीओ में मिक्स हो जाता है और फिर बच्चे उसी में नहा रहे होते हैं। हाँ। वो किसी तरह या तो बंद हो जाए या साफ हो जाए, मुझे ये सिस्टम नहीं समझ आता। मैं बहुत जाहिल आदमी हूँ। हाँ। ये कोई बड़ी इंजीनियरिंग होगी कि जो गंद है वो गंद निकल के समंदर के पानी में मिक्स हो रहा है। हाँ। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि वो बंद हो जाए ताकि हमारा जो समंदर है हाँ। वो कंप्लीट कम से कम इस चीज से साफ हो जाए और अल्लाह करे कि लोगों में अकल आ जाए कि लोग उस जगह पे जाके गंद मचाना छोड़ दें। मैंने नोट किया हम जहां भी जाते हैं हम सिर्फ गंद मचाते हैं। हाँ। तो बस दुआ है, लेकिन कराची साफ सुथरा हो रहा है, बेशक भर गया है लेकिन साफ सुथरा हो रहा है। अल्लाह करे ऐसी साफ रहे, अल्लाह करे जब रोडे बनाए तो उसको एक ही बार सही से बनाते ताकि बार बार ना तोड़नी पड़े। और मेरे ख्याल से जैसे मैंने शुरू में कहा कि सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, आपका अपना भी काम है। अगर आप अपने मोहल्ले को साफ नहीं रख सकते कम से कम अपनी गली को साफ रखें, अगर गली को साफ नहीं रखते तो कम से कम अपने घर को साफ रखें, लोगों को रुझान बढ़ाएं इस तरफ के लोग सफाई करें। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करते करते हर चीज साफ हो जाएगी। लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट बहुत ही जबरदस्त एक्टर है, चाहे वो मॉडलिंग हो चाहे वो एक्टिंग हो, बहुत जबरदस्त काम करते हैं। रिसेंटली उनका एक प्रोजेक्ट ऑन एयर हुआ जिसका नाम है बेबाक और उसमें एक बड़ी नई के साथ वापस आए हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी पर्सनल इनके बारे में जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कि थोड़े से इंट्रोवर्ट है, लेकिन इनकी जो नॉलेज है उसका मैं फैन हूं। इनके जो व्लॉग्स होते हैं मैं बहुत एंजॉय करता हूं। इनको आप बुलाएंगे और बहुत सारा तंग करेंगे। बहुत सारी तालियां आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर फाइक खान। सिंबॉलिक एक्सप्रेशन था ये, पता क्यों था? क्यों था? ताकि तुम लोग ज्यादा कीले ना ठोको। नहीं नहीं नहीं, हम लोगों ने अभी क्या इससे अभी क्या बहुत ज्यादा तंग करेंगे इसको। मुझे लास्ट शो याद आ गया जब हाँ जब खून के आंसू निकले थे, वो कहीं से भी निकले थे, उसमें तो भाभी मौजूद थी ना, वो तुम लोगों ने इज्जत रख ली थी मेरी। नहीं नहीं बिल्कुल, मैंने हम आपको इज्जत दी। अगर मैं नहीं होती आपके साथ तो फिर क्या होता? नहीं नहीं ऐसी मैंने कहा बस फिर किया पाछा हो जाए। नहीं नहीं, हम आपको बहुत इज्जत देंगे, इतनी कि आपको परेशानी होने लग जाएगी कि इज्जत दे रहे हैं नहीं दे रहे। भाई भाई कैसे हैं, आपके हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक है। आप बड़े जबरदस्त व्लॉग्स बनाते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है आपके ट्रैवल व्लॉग्स जो होते हैं, मैं देखता हूं। थैंक यू सो मच यार, आप लोग पसंद करते हो तो इससे बड़ी क्या बात। ये सिलसिला कहां से शुरू हुआ, मतलब पहले मुझे बताएं कि मॉडलिंग और एक्टिंग कहां से शुरू हुई, पहले ये सिलसिला सुनाएं। देखिए मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। हाँ। बहुत जल्दी जल्दी स्कूल में मुझे शौक था तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेने का। ओके। और टैबलोज होते थे डिफरेंट, उसमें हिस्सा लेने का, थोड़ा बहुत गावा भी लिया करते। टैबलो में क्या बनते थे? सनफ्लावर दरख्त? नहीं, मैं नेगेटिव मुझे मिलता था कभी। टैबलो में भी? हाँ,
एक में राजा दाहिर बना था और उसके बाद एक में मैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब बना था। अरे वाह। और डिफरेंट डिफरेंट जो पर्सनालिटीज होती है, एक में तैमूर गजनवी बना था और इस तरह की चीजें। लेकिन आपकी प्रेफरेंस नेगेटिव की तरफ थी? नहीं, वो मुझे टीचर खुद ही डालते थे, हीरो कोई और होता था। अच्छा, ठीक है। तो उनको मैं शुरू से हीरो लगता नहीं था, वो कोई और ही होता था। मुझे टैबलो में रखा, उन्होंने कहा कि आप हीरो हैं। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। जब रिहर्सल गई है तो हमने सारे डायलॉग शायलॉग बोले। हाँ। उसके बाद जिस दिन शो था उसने मुझे हाथी का ड्रेस पहना दिया। मैंने कहा आपने तो कहा तो हीरो, कह रहे इस गाने में हाथी हीरो है। तो मैं टैबलो अच्छा अच्छा मुझे कुछ, मुझे, कुछ मुझे में हाथी भी हीरो हो सकता है। मुझे, मैं हिस्सा तो लेता था लेकिन मेरा जो इंटेंशन था बचपन में, वो 1986 में टोनी स्कॉट की मूवी रिलीज हुई थी टॉप गन। मुझे टॉप गन से उसके बाद राशिद मेनास से मरीना खान का डेब्यू हुआ। जी, जी, जी। तो ये दोनों चीजें मुझे ना उन्होंने एक स्ट्राइव और एक ड्राइव दे दी थी टूवर्ड्स, मतलब GDP पायलट ऑफिसर बनने के लिए, स्कॉटिंग लीडर बनने के लिए। क्योंकि हमारे पास फिर उस वक्त फिर ऐसा ऐसा करके माशाल्लाह अमेरिका से F-16 भी आ गए थे जो कि एनालॉग है, अब डिजिटल यूज होते हैं, वो जमाने के हैं 94। लेकिन आप तो माशाल्लाह लगते भी पायलट है, फिटनेस भी आपकी पायलट वाली, कभी सोचा आपने कि ये भी कर लूं? नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर मेरा एक पड़ोसी मुल्क में जाना हुआ। अच्छा। और तुक्के में एक जो डिजाइनर थी मेरी कजन की दोस्त थी, उससे कहा मुझे हाइट वाला एक लड़का चाहिए टीनेजर, ठीक है। वहाँ पे उसमें बहुत सारे मॉडल्स थे, अर्जुन रामपाल, दीनू मोरिया, उसकी तस्वीर भी मेरे पास है। तो बस वो एक सीक्वेंस मुझे मिल गया था जिसके उस वक्त के लिहाज से मुझे 500 रुपए मिल गए थे उस करेंसी के। तो बस वहां से फिर मुझे शॉक हो गया था क्योंकि मेरा जो टेस्ट था वो रिजेक्शन में चला गया था मसरूर बेस में। इंटरव्यू हुआ था मेरा मेडिकल या किसी, वो बताते नहीं है जब रीजन आता है। तो फिर यहाँ पे रुझान बढ़ गया था। तो आप वो वाले पायलट तो ना बन सके, आप दूसरा वाला ट्राई करते आपको कामयाब हो जाते। जहाज ही उड़ाना मकसद था ना। जहाज उड़ाओ या जहाज बन जाओ। जहाज बन जाओ। अच्छा जी, तो फिर जब यहाँ आए तो फिर यहाँ ड्रामे का सिलसिला कहाँ से हुआ? पहला प्रोजेक्ट याद है आपको? मैंने फरिया के साथ ही मॉडलिंग का आगाज किया था। लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि मैं शायद उस तरह से, जिस तरह मॉडल्स की एक अप्रोच होती है, ग्रूमिंग होती है और एक उनका एक फोटो होता है, मैं उस फोटो को अब जा नहीं पाऊंगा। ठीक है। तो फिर मैंने आर्ट्स काउंसिल में थिएटर से स्टार्ट लिया। अरे वाह। मुझे शुरू में पहले पानी पिलाने का उस्ताद ने 3 दिन तक पानी पिलाते रहे। अच्छा। फिर एक डायलॉग मिला बड़ी मुश्किल से, हाथ हिला के कुछ कह के जाना था दूध वाला बन के। फिर कुछ सब्जेक्ट्स मिले और फिर कुछ नॉन मेन स्ट्रीम किस्म का जो कैरेक्टर है वो मिला वहाँ पे, और ऐसा साइन होते गए। वो छोड़ के पीटीवी से बाकायदा। तो ये जो आपने बताया कि 3 दिन तक पानी पिलाने वाला सिलसिला है, ये क्या चक्कर है? ये रिगिंग कह लो उसको, रैगिंग कह लो उसको, जो भी तुम। अच्छा, ये उसका हिस्सा था। उसका हिस्सा था कि आपको मेरे ख्याल से वो एक और ऑब्जर्व करना है। हाँ, एक मौका देते हैं कि आप उस माहौल में जरा आप इजी हो जाएं, सेटल हो जाएं। शहजाद साहब एक थे, वो करते थे लड़कों के साथ, ठीक है, ताकि लड़के पूरा माहौल ऑब्जर्व करें और कुछ रगड़ा खाएं। वो जो रगड़ा था ना, उसने बहुत कुछ सिखाया। और ऐसा हर जगह होता है, आपके एकेडमिक्स होते हैं, करिकुलम होता है, उसके अंदर रगड़ा कहीं ना कहीं आपको मिलता है किसी कोर्स में। ठीक है। ये रगड़ा तो काशी भाई ने बड़ा खाया, आप देख सकते हैं हालात। शादी हो गई थी ना फिर। काशी भाई ने तो रगड़ा खाया, इनको एक दो बार आग लगी थी रगड़ा रगड़ा के। अच्छा जी, तो उसके बाद एक्टिंग का सिलसिला जारी रहा। सही है। अब मुझे बताएं अपना काम देखते हैं। मैं बहुत कम काम ऐसे होते जो मैं देखता हूँ, जैसे कि मैंने एक टेलीफिल्म की थी आज से 10 years बैक, डेकेड अगो। वो उसमें मैंने जो सीखा था, दीदार एक फिल्म देखी थी, वो देख के सीखा था, अंधे का कैरेक्टर था। अल्पचिनो की सेंटर फॉर वुमेन देखी थी, रे देखी थी मैंने, वॉक द लाइन एक मूवी थी वो देखी थी। वो मुझे काम मैंने काफ़ी दफ़ा अपना देखा था। अभी का ये है कि मुझे जो अच्छा लगता है काम वो देखता हूँ। जैसे बेबाक इस वक्त चल रहा है, तो बेबाक में मैं एक मिडिल एज कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो उसमें जो कैरेक्टर के डायनामिक्स और जिस तरह उसकी डायमेंशन हैं, तो मैंने किया कैसे उसको देखने के लिए मैं बैठता हूँ और फिर अपने ही नुक्स निकाल रहा होता हूँ कि काश। हाँ, ये मेरा अगला सवाल था, क्या क्रिटिसाइज करते हैं अपने काम को या एंजॉय करते हैं? नहीं, क्रिटिसाइज करता हूँ कि काश मैं यहाँ पर इस टाइमिंग में मैं इस तरह जेस्चर दे देता, या टोन अप टोन डाउन, या टोन कंटोरिंग करते हुए मैं थोड़ा अंडर टोन बोल देता, लाउड नहीं बोलता, ये मुझे बस ट्यूनिंग के हिसाब से। ये जिस तरह आपकी टोन जो है ना, जो आपका वोकल है, वो बड़ा मजे का है, वो दिल का दरिया बह गया टाइप आपका वोकल है। तो आपको किसी ने कहा है कि यार आपका वोकल बड़ा डिफरेंट है? नहीं, है आपका डिफरेंट, ये तो है। मेरी वॉइस की क्रिटिसिज्म हुआ है, है? मेरी हस्की वॉइस है। तो ये तो सेक्सी नहीं होती? नहीं, वो हमारे यहां ज्यादा करता हूं, आवाज जरा बैठ जाती है। आप लोगों की तरह वो नहीं है, आप लोगों की तरह इतनी कोई, आपने हमारे वाले काम इतने करने ना। बेस नहीं है। नहीं, अक्सर मैंने भी जो होस्टिंग के शोज किए थे, इस तरह कभी कभी मैं इधर उधर चला जाता हूँ एज मोटिवेशनल स्पीकर, अब वो मेरा गला जरा जल्दी बैठ जाता है।
अच्छा बात नहीं कर पाता वो, उसके बाद डायलॉग्स भी बोले जाते हैं। अच्छा मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी आवाज बड़ी मजे की है, मैं तो इसलिए बोला था। नहीं मैंने डबिंग शबिंग की थी तो उसमें कहीं ना कहीं किसी कैरेक्टर में एडजस्ट हो जाता, मुझे अपनी आवाज से थोड़ा रहा है इख्तलाफ। अच्छा फैसल कुरैशी भाई ने कुछ एक्सरसाइज बताई थी कि उल्टा लेट के सीधा लेट के उल्टा बैठ के सीधा खड़ा होके उल्टा लटक के कुछ जरा यहाँ से आवाज निकालो। हाँ। तो वो वहां से जहाँ से वो चाहते थे आज तक आवाज निकाल ले भाई। फैसल भाई खत्म करा रहे हैं सबसे। जहाँ से वो चाहते थे जहाँ से वो चाहते थे वहां से आवाज, वहां से आवाज थोड़ी सी निकली होगी बस, वो फिर कान से निकली आवाज, फिर नाक से निकली है। सही है, सही है। अच्छा जी जब एक कैरेक्टर आपके पास आता है तो अपना होमवर्क करते हैं या पहले आप डायरेक्टर का विजन पूछते हैं आप क्या चाहते हैं? मैं डायरेक्टर से मेरी बाद में बात होती है, पहले मैं पढ़ के देखता हूँ कि उसकी फील क्या आ रही है, ठीक है, और अगेंस्ट ऑल ऑड्स ऑफ द ग्रिड मैं उसमें क्या काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वो एक्टर हूँ जो बड़े शौक से हॉलीवुड और वहाँ के एक्टर्स और वहाँ के डायरेक्टर्स का काम देखता है, ठीक है, और जो भी बारीकियाँ होती हैं उनको समझने की मैं कोशिश करता हूँ और वो मैं यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो इडियोसिंक्रेटिक जेस्चर्स हो, इडियोसिंक्रेसी हो, टोन अप टोन कंटूरिंग हो, किसी भी किस्म की मेथड एक्टिंग हो, टेक्निकल एक्टिंग हो, तो मेरी कोशिश होती है कि जो कॉमन चलता हुआ आ रहा है उस कॉमन तरीके से मैं परफॉर्म ना करूं, थोड़ा सा ऐसा हटके करूं जो लोगों को डिफरेंट लगे। तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ डायरेक्टर ने कहा कि यार ये तुम ये क्यों कर रहे हो ऐसे करो ना? नहीं, नहीं, तो डायरेक्टर की ना एक अंडरस्टैंडिंग होती है यहाँ पे भी। अब जैसे कि मैंने एक ड्रामा किया था 3 years बाद माँ सदके, तो माँ सदके एक ऐसा स्क्रिप्ट था उसमें इतना जबरदस्त अच्छा स्क्रिप्ट था, नेगेटिव था, उसमें मुझे एक चीज देना थी बस, इडियोसिंक्रेसी जिसे कहते हैं, ऐसे करना था कि नहीं मसला क्या है तुम्हारे साथ, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा, चले जाओ यहाँ से वरना निकल, इस तरह करके ना मैं एक करना चाह रहा था। तो उसने मुझे ये अथॉरिटी दी कि यार ठीक है ये आप लगा ले, बाकी मैं अपनी मर्जी से करवा लूंगा। मैंने कहा ठीक है तुम मुझे ये अथॉरिटी दे दो। इसका अच्छा ये हुआ कि जब भी मैं इधर उधर मॉल्स में जाता था तो जो वो देख रहे होते थे ड्रामा वो आके बोलते सर क्या हाल है। अरे वाह वाह वाह। फिर मैं चैनल गया तो वहां पे जो भी प्रोड्यूसर साहब थे उन्होंने कहा हाँ भाई क्या हाल है ठीक हो। उन्होंने फिर ये कहा इमरान अशरफ, इमरान अशरफ जैसे बंदा वेरी नाइस वेरी फाइन एक्टर, उसने कहा भाई फाइक भाई कैसे चल रहा है। अरे वाह वाह। तो मतलब रजिस्टर हो गई चीज, एक चीज रजिस्टर होगी जो कि पूरी दुनिया करती है। मैंने पहली दफा स्टार्ट नहीं की, मैं कोशिश ये करता हूँ कि ऑफ द ग्रिड रिवर से हटके टीम पे रजिस्टर हूँ बस, ठीक है। अच्छा ये बताएं और पीयर से काम देखते हैं और एक्टर से काम देखते हैं? हाँ टाइम मिल जाता है किसी का, किसका काम अच्छा लगता है? आप कहते हैं अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे देखिए मुझे शुरुआती दौर से ना जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की थी तो मैं सलीम नासिर साहब का फैन था, क्योंकि वर्सटैलिटी की वो आला तरीन मेराज पे थे। असर नौ से असर जरी सलीम नासिर का नाम जो है वो कायम दायम रहेगा। तो वो बेसिकली चाहे वो आखिरी चट्टान में रुकनुद्दीन बरबस का कैरेक्टर हो या फिर अनकही के अंदर एक बड़ा कोई अलग जिसका मोनोलॉग्स उनके बड़े अलग होते थे उसके अंदर, तो मैं बड़ा फैन था। फिर शब्बीर जान साहब, नुमान एजाज साहब और इनका फैन था। उसके बाद फिर फैसल भाई, ऑफ कोर्स फैसल कुरैशी साहब। तो ये बेसिकली भाई ये तो आपने जितने सारे नाम लिए इनके तो तकरीबन सभी फैंस है, कोई ऐसा नहीं जो कहेगा कि ये इनके हम फैंस नहीं है। अभी की बात करूँ, अभी जो लड़की, क्योंकि अभी आप बहुत सारा काम कर रहे हैं नए लड़कों के साथ, नई लड़कियों के साथ, आजकल के दौर में किसका काम अच्छा लगता है आपको कि हाँ यार ये लड़के टैलेंटेड हैं, अच्छा काम करते हैं? जैसे इमरान का आपने जिक्र किया, इमरान अशरफ को मैं हमेशा यही बोलता हूँ और बोलता भी था, एकदम से एक टाइम आता है जब जिसमें, क्योंकि अल्लाह के पास सारे कॉस्मोलॉजिकल पैटर्न्स हैं, एक ही पैटर्न है जिसका डिज़ाइन आपके पास है थोड़ा सा और वो इख्तियार और कोशिश। तो वो उसका एक टाइम आया जब वो क्लिक हुआ, तो समटाइम्स मुझे उसकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा एनर्जी में लगती थी। तो मैं कहता था यार जितनी एनर्जी की, क्योंकि ये भी अकलमंदी है कि अगर 7 को 7 की जगह पर रखो, 8 को 8 की जगह पर रखो, 8 की जगह 7 नहीं और 8 7 की जगह 8 नहीं, बिल्कुल सही। तो यही आपकी फाइन ट्यूनिंग होती है अंदर से, बैलेंस, इक्विलिब्रियम, जिसके लिए बंदा अपने मिजाज अपने नफ्स के ऊपर भी काम कर रहा होता। चले खैर वो कहीं और गुफ्तगू चली आएगी। तो मैं उसको यही कहता था, तो मुझे उसका काम अच्छा लगता है इमरान अशरफ का। बट ऑन अ लाइटर नोट, बहुत ज्यादा जब वो टू मच एनर्जी ना डाले तो ठीक है, थोड़ा नॉर्मलाइज। वो टू मच एनर्जी ज्वालामुखी है वो, वास्तव में 3.2 मिलियन फॉलोअर्स के लिए एनर्जी मारते हैं ना वो। हाँ, ये इतने सारे लोग हैं, जोर से आते हैं। नहीं एनर्जी किसी के लिए नहीं, एनर्जी आप सिर्फ सिर्फ कैरेक्टर के लिए मारते हैं, क्योंकि आपको रिमूव करना होता है अपने आपको और जस्ट गेट इन टू द कैरेक्टर। जिसमें कोई सीनियर भी अगर क्यों ना हो तो वो सीनियर आपके लिए सीनियर नहीं रहता, आप लोग फिर हम पल्ला बराबर रहते हैं, सेम पल्ला जाते हैं। पर्सनालिटी का इंपैक्ट या पर्सनालिटी कल्ट में नहीं फंसना चाहिए। अच्छा आजकल का एक और सिलसिला ये चल रहा है कि लोग कहते हैं जी फॉलोअर्स देख के लोग कास्ट होते हैं, आप इससे एग्री करते हैं? ये है, ऐसा है, एक दो कमर्शियल मुझे ऑफर हुए थे तो मुझे उनसे पूछा, उन्होंने मुझसे आपके फॉलोअर्स नहीं है, 2,500 फॉलोअर्स हैं। तो मैंने कहा यार एक तो पहली बात है कि मुझे 19-20 साल हो चुके हैं इस फील्ड में और मैं इस पे बिलीव रखता नहीं हूँ। मेरा फेथ
कुछ और है, तो अब अगर किसी को इस क्राइटेरिया के तहत मुझे लेना है तो उसकी सोच कुछ और होगी, ठीक है, तो वो मेरी जो परसीवरेंस अगेंस्ट ऑल ऑड्स होगी, इस्तकामत होगी डिफरेंट चीजों से हटके, वो एक डिफरेंट पराये में, डिफरेंट रविश, डिफरेंट ढंग में होगी। तो मैंने मना कर दिया, तब जिसको काम के लिए बुलाना होता है वो बुलाता है। तो मुझे बताएं, कभी किसी ने कहा यार थोड़े फॉलोअर्स बढ़वा लो, पैसे दे दो? हाँ, इस तरह की बात हुई थी। मैंने कहा मशवरा दिया किसी ने? मैंने कहा यार मेरे पास जितने पैसे आते हैं उससे मेरा गुजारा हो जाए, काफी है, पैसे नहीं देते, फॉलोअर्स नहीं बढ़वा। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि ड्रामे में, मुझे खास तौर पर ऐसा लगता है कि ड्रामे में अगर फॉलोअर्स को देख के कास्टिंग होती है तो इसका मतलब फिर उनको आपकी जरूरत नहीं है, आपके फॉलोअर्स की जरूरत है उनका। पूरी ये स्ट्रेटेजिक कमांड मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक विजन मैनेजमेंट है, ताकि उनके अपने जो चैनल के एट्रीब्यूट से ना उनका कमाल और जमाल ग्रिप कर सके व्यूअर्स के ऊपर आपके थ्रू। उसके लिए जो बेट है, जो चारा है ना, वो आप है, आप है। ऑफ कोर्स जितनी अच्छी फैन फॉलोइंग होगी उतना स्प्रेड होगा और उनके पेज और सारी चीजें क्लाउड बढ़ जाएगा। देखें डिजिटल पैराडाइम ना अब शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। टीवी एक वक्त आएगा, पाकिस्तान में नहीं लेकिन बाहर ऐसा हो गया है, डिजिटल वर्ल्ड एक जायंट बन चुका है, मॉन्स्टर बन चुका है। ये आर्केड मोड की वो बला है जो कि सबसे आखिर में जिसको मारने तक के लिए जाना पड़ता है लेकिन आप मार नहीं पाते उसको। तो इस आर्केड मोड का आप हिस्सा होते हुए भले पीछे चल रहे हो लेकिन स्टेप बाय स्टेप उसी तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, बहुत सारी जगह पे लोग कह रहे हैं टीवी ऑब्सोलीट हो जाएगा, सब कुछ वेब पे चला जाएगा। ऑब्सोलीट तो नहीं होता टीवी, लेकिन वो जो जो व्यूअर्स के हिसाब से जो बजटिंग है, जो एडवर्टाइजिंग बजट है, वो जो क्लाउट है, इन्फ्लुएंस करने वाली चीजें, वो जरा तितर-बितर हो जाएंगे। अच्छा, एक तरफ नहीं रहेंगी, फैल बहुत सारी एक्टिंग के साथ आपने ये बीच में सिलसिला शुरू किया ट्रैवल लॉग्स का। ये आइडिया कहां से आया? पहले तो ये बताएं कि आप अपने खर्चे पे कर रहे हैं या ट्रैवलिंग, या आपने भी? नहीं, स्टार्टिंग मैंने अपने खर्चे भी किया था, उसके बाद में फिर मुझे साथ लेके जाया गया था, ठीक है। तो क्योंकि ग्रुप शूट करना था, असल में मुझे शौक शुरू से ही नॉलेज का है बहुत ज्यादा, और ये शौक की जो इंतहा थी वो थी 2011 में। अगर मैं पायलट बनना चाहता तो एक जमाने में फिर मैं बहुत ज्यादा स्पेस से रिलेटेड, एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड चीजें पढ़ना शुरू कर दी थी, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा, फिर मैं पर्सनालिटीज को पढ़ना शुरू कर दिया था। अरे वाह। फिर मैंने दुनिया की चीजें, दुनिया की और जो भी कुछ है चीजें, मुझे शौक ये था कि लोग बोलते हुए तो नॉलेज देते हैं लेकिन मैं क्यों ना कोशिश ये करूं कि मैं वहां जाके वो नॉलेज दे सकूं अपनी आवाम को, मासेस को। मैं मासेस की बात कर रहा हूं, क्लासेस गोरे हम लोगों को कभी भी नहीं देखे, नहीं, नहीं, उनको तो उनको वो चीजें नहीं पता। तो डिफरेंट कंटेंट, चाहे वो गूगल पे रखा हो, चाहे गोरे ने किया हो, चाहे वो किताबों के रेफरेंस से हो, तारीखी हवाला हो, उस सबको जमा करने के बाद, जैसे कि मैं टर्की गया था तो टर्की में मैंने रोमन अगोरा से लेके मार्कस ऑरेलियस से लेके हजरत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम का वो घर जो ईसा अलैहिस्सलाम की रिजरेक्शन के बाद वहाँ इजमीर आ गई थी, वो घर भी दिखाया मैंने वहाँ पे। तो वो मैंने चीजें जमा करता हुआ गया। पामुकाले थी तो उसका वो कैल्शियम कालसाइट, ट्रैविटिन टेरेसिस, मैग्मा, ये सारी चीजें ये सब मैंने दिखाया। तो फिर जब मैं दोबारा ग्रुप के साथ गया था तो टूर गाइड उनका मैं था, क्योंकि बहुत से लोगों को उर्दू चाहिए थी। तो उर्दू में मैंने उनको डिफाइन किया कि भाई ये बेसिकली कैपेडोकिया है, एक्ट ऑफ अपोस्टल्स के अंदर, तलमूद के अंदर इनका जिक्र है, गॉड फेयरिंग ज्यूज थे, 2.3-2.9 जो है उसके अंदर आपको कैपेडोकियन पीपल। आप ये भी कर सकते हैं, जो टूरिस्ट आपके साथ जाते हैं उनके कान में आके बोला 502 उर्दू में बताता हूं एक्स्ट्रा इनकम। नहीं, मैं बताता हूं, मैं खड़ा हुआ था मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के मजार के पास, समी खान भी साथ था, वो अंदर था, तो वहां मुझे अपना वो चंक रिकॉर्ड करना था जो कोविड की वजह से रह गया था जब मैं गया था टर्की एक साल पहले। तो मैंने कहा इस दफा मैं ये कर लेता हूँ चंक। तो वहां पे कुछ पड़ोसी मुल्क के लोग आए हुए थे तो उनको वो टूटी फूटी इंग्लिश में उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। अच्छा, मैंने मौलाना मेलेबी फेस्टिवल और जो सूफी वर्लिंग होती है जो डांस करते हैं वो सारी नॉलेज और वो कब फेस्टिवल होता है सारी नॉलेज देना शुरू की, सब आगे खड़े हो गए वहां पे ना। उससे पहले उन सबको मुझे लग रहा था मुझे प्रॉब्लम, वो कुछ भी कोई भी नहीं था वहां पे। अच्छा, मुझे प्रॉब्लम ये होता है, वो बातें भी करते, मैंने कहा प्लीज आप लोग जरा खामोश हो जाए थोड़ा, मैंने जरा गुस्से में कह दी थी क्योंकि टाइम कम था। बाद में जब मैंने खत्म किया तो उन्होंने कहा यार अब हमें समझ में आया यहाँ का मजार, ये वो सारी चीजें। फिर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का वो कुतबा उन्होंने एजाजी तौर पर लगाया हुआ था, चूंकि अल्लामा इकबाल उनको अपना उस्ताद मानते थे, मेंटोर मानते थे, वो उनका खुतबा वहां लगा हुआ था जहां पे मैंने आके शूट किया। क्या बात है। अच्छा, तो ये तो हो गया टर्की और ऐसी जगहें, कहीं आप ऐसी जगह भी जाते होंगे जहां पार्टी भी होती है तो वो दिखाते हैं आप, या वो आप खुद करके आ जाते हैं? नहीं नहीं, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट पार्टी में जाने का ऐसा मुझे शौक नहीं है। आपका दिल नहीं चाहता? नहीं, वो एक जमाने में देखें हर एज के साथ साथ एक गैप होता है, हर एक 5 साल में ज़हनी मैच्योरिटी आपकी थोड़ी बढ़ती है, या तो आप कहीं फंस जाते हैं या वहां से निकल के कहीं और बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट स्टेशन टू द नेक्स्ट स्टेशन, यही लाइफ है। तो पहले शायद ऐसा शौक था लेकिन इस वक्त नहीं, अब नहीं, अब मेरा बस ये होता है कि मैं ऐसी जगह पर जाऊं जो
दुनिया की उन जगहों में से जहाँ पे लोग जाते हैं और नॉलेज देते हैं, नॉलेज फराम करते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं माहौल अगर है वैसे दोस्तों जा रहे हैं और जाना ही मकसूद है तो वहाँ चले गए, इंटेंशन नहीं होता जाना ही जाना, ये नहीं होती। और क्या आप पाकिस्तान में भी ब्लॉग्स बनाते हैं ट्रैवलिंग के? पाकिस्तान अब जाऊंगा मैं जून में इंशाल्लाह। कहाँ कहाँ जाएंगे आप? पाकिस्तान में हुंजा जाऊंगा इंशाल्लाह, गिलगित जाऊंगा, सवात जाऊंगा और ऊपर पहाड़ों से स्टार्ट करेंगे। हाँ, और चाइना का जो आखिरी गांव लगता है मुझे वहाँ जाना है, मुझे वो पसंद है, मैं नाम भूल रहा हूँ, मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल की बात है। अच्छा, तो मुझे बताएं किसी जगह जाने से पहले उसकी कितनी रिसर्च करते हैं, कितना टाइम लगता है ये प्लान करने में? अच्छा यार, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि मैं जून में जाऊंगा, तो क्या आप अभी से उसके ऊपर लग जाते हैं कि मैं पढ़ूं देखूं कहां कहां जाना है? मैं अभी से लगा हूं, शूटिंग करने के बाद एक दो घंटे मैं अपना कंटेंट लिखता हूं जो मेरे पास मोबाइल में फीड है। अच्छा। मैं जाने वाला हूं 3 या 4 मार्च को इंशाल्लाह उमरे पे। मुझे जो सबसे बड़ी जगह जाना है वो है मदाइने सोले, उसको शूट किसी ने अच्छा नहीं किया। मैं अच्छा शूट भी मैं खुद ही करता हूँ जी, मैंने देखा मेरे पास गोप्रो, वो अपने मैचेस किए हैं। हम एक मैच खेलने गए थे गुजरांवाला, जहाँ हम सब मैच खेल रहे थे, लेकिन फाइक भाई का मैच के साथ साथ ये भी एक फोकस था कि कौन क्या कर रहा और एक गोप्रो वो इसलिए क्योंकि क्रिकेट खेलते हुए फैजान को या आदि भाई को या फैसल भाई को किसी ने देखा नहीं, तो वो अब देखने के लिए वहाँ पे दैट इज देयर, वो है और रहेगी वहाँ पे सोशल मीडिया में। तो मैंने कंटेंट बना लिया, अब मदाइना सोले मैंने जाना, यहाँ पे सोले अलैहि सलाम की ऊँटनी आई थी और वहाँ पे लोग जो है वो अंधे पड़े रह गए थे और वो घर जो कार्व्ड किए हुए थे उस जमाने के हिसाब से, जब कभी जलजला आया होगा, कभी कुछ होगा या कभी पानी होता होगा, क्योंकि वो मट्टी जो क्ले है वो डिफरेंट तरह की क्ले है, वो आपको गर्मी के अंदर ठंडक देती है बेसिकली ना। तो इस तरह की नॉलेज मैंने इकट्ठी की, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और बाकी फिर गारेस वगैरह वो लोगों ने देखा, मदाइना सोले सही तरह से नहीं देखा। तो भाई मुझे बता, ये जो आप करते हैं काम, ये आपने कभी सोचा है मैं इसको और बड़ा कर दूं और मतलब किसी और को भी इन्वॉल्व कर लूं, प्रोडक्शन और थोड़ी बड़ा? ठीक है, मुझे किसी ने ऑफर दी थी कि आप ये वाला काम करो और उसके बाद पता नहीं क्या 60-40 और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा और हमारे पास चैनल की अथॉरिटी आ जाएगी। मैंने कहा ये बेसिकली मैं अपने शौक के लिए मैं कर रहा हूँ। मैं आपको सही बताऊँ, मैं बिल्कुल सच बोलूँगा आपके प्रोग्राम में कि जब कोविड वगैरह आया था और सबके काम बंद हो गए थे, सारे लोग डिजिटल की तरफ आ गए थे, मैं भी ये सोचता था कि मैं इससे बहुत सारा अर्न करूँगा। ठीक है, वो इंटेंशन बन गया था मेरा, जिसकी वजह से भी मैं इसको सोचता था। लेकिन अब जब चीज़ें खुल गई और सब काम करें तो अब मैं उसको उस नीयत से नहीं सोचता, अब मैं ये सोचता हूँ कि जिसको नॉलेज अच्छी लेनी है, प्रैंक्स नहीं देखने, मुगलजात नहीं देखने, वो यहाँ पर जाके नॉलेज लेगा। लोगों की आजकल जो अप्रोच है वो यही है कि बस तफरियां देख लें, यूट्यूब पे ये कर लें। देखें इस ज़माने में ना नॉलेज, इल्म पुराना जब नया आ जाता है तो पुराना ख़त्म हो जाता है, फिर एक आगे एक नया इल्म आता है। टेक बेस्ड जितनी भी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजिकल मॉडल्स हैं, वो चेंज हो रहे हैं। तो पुराने इल्म जाएगा, नया आएगा, नई की बुनियाद रखेगा, उसके बाद जो इल्म आएगा पुराने की नफी करेगा, इल्म बढ़ता जाएगा। तो इल्म के लिए जरूर कोशिश। अच्छा, ये जो डिजिटल पे जिस तरह होता है, ये ऐसी मेरा एक सवाल है क्योंकि मैं तो नहीं इतना देखता, आपको नहीं लगता कि डिजिटल पे जो चीज भी दिखाई जाती है वो बड़ी बायस्ड होती है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कोई इन्वेंशन हो, चाहे वो कोई दवाई हो, ऐसा नहीं लगता? मुझे ऐसा लगता है मैं जब भी कोई वीडियो देखता हूँ किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन वाली, वो बड़ी बायस्ड होती है कि जिस तरह मुझे अगर एंड्रॉयड वालों ने मोबाइल भेजा है तो मेरी वीडियो में एंड्रॉयड को ज़्यादा लाइट दी जाती है कि यार एंड्रॉयड इज बेटर, ऐसा लगता है आपको? कंपैरिजन कर लें, देखें एक आदि को मैं जानता हूँ जो कि बहुत सालों में मिलता है, एक आदि को ये जानते हैं, एक आदि को आदि के घर वाले जानते हैं। जब वो बायोग्राफी लिखेंगे ना तो वो बाइस नहीं होंगे, वो अपने हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लिखेंगे। अब आदि को बुलाया ही गया एक जगह पर है कि जहाँ पे उसने चूर्ण बेचना है, मंजन बेचना है, वो वही बोलेगा ना। लेकिन जहाँ तक बात है नॉर्मल उसकी, तो नॉर्मल भी आपको ब्लॉग्स मिलते हैं जो जिसको नहीं भिजवाया होता लेकिन उसके बारे में बता रहा होता, कभी कभार वो भी अच्छी चीज बता देता है। जब तक आप राइवलरी का एक वो नहीं चखेंगे ना जायका, तब तक आपको किसी भी चीज का, इंसान का, हालात का, वाकयात का एहसास नहीं होगा। और ये जो डिजिटल पे आ गया है, मैंने बहुत जगह देखा है, गाली देना जरूरी है? नहीं नहीं है, देखिए अब ये वेब वेब की एक स्टोरी में कर रहा था, उसने कहा यार तुमने गाली देनी है। हाँ। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा गाली। देखो उसने कहा ना आपको देनी है। हाँ, मैंने कहा नहीं दूंगा। हाँ, मैं ये क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? हाँ, जरूरी थी ही नहीं। हाँ। मैंने कहा तुमने मुझे एक पढ़ा लिखा बंदा दिखाया है तो मैं क्यों इस तरह की गाली दूं? जो गाली देने का मकसद है, आपके पास कंटेंट मैनेजमेंट का पहाड़ है ही नहीं, कंटेंट मैनेजमेंट खत्म हो गया, आप बेसिकली इंस्पायर्ड लोग हैं, अपनी तरफ से कुछ क्रिएट नहीं कर पाते और उसको आप जो क्रिएटिविटी कहते हैं वो क्रिएटिविटी नहीं होती, वो गंद होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह अगर हम गोरों की बात करते हैं तो उनका जो जिस तरह वो जो वर्ड्स बीच में जिसको हम गाली के लिए कहते हैं, उनके वहाँ बहुत सालों से वो एक लैंग्वेज का हिस्सा है, वो तो स्लैंग। हमारे यहाँ बड़ी तमीज़ की जबान है और बड़ी तमीज़ से चलती आ रही है, जब हम उसकी कोशिश करने की अपनी उर्दू में डालते हैं ना तो बड़ा अजीब सा हो जाता है, ऐसा लगता है आपको? कल्चरल डिफरेंस। हाँ, ये हम कल्चर, वहाँ के नॉर्म्स, वहाँ का तहजीब व तमद्दुन, इखलाक, तमीज और जिस रविश के अंदर, जिस ढंग में वो लोगों के साथ पेश आते हैं, उनका बिहेवियर है मुख्तलिफ है। यहाँ पे
जो हम लोग मुगलों से इंस्पायर्ड लोग हैं हमारे घरों के अंदर, जो तौर और तरीका वो उसमें इस्लामी फिक्र कहीं शामिल नहीं है, सिर्फ वो रिवायतें शामिल हैं जो अकबर बादशाह के दौर से अब तक चली हुई आ रही। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं यही कहूँगा, जब आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव के साथ स्पिरिचुअल विजन लेके चलते हैं तो आप अपनी जो तरबियत है या तज़किया नफ्स है उस अंदाज से करते हैं कि जिसमें आप एक अच्छे मुसलमान और मोमिन या इंसान बन के सामने आ सकें। आप अभी यहाँ पे इंसान नहीं बनते, आप एक फिजिकल ट्रेड को ऑप्टिमाइज करने के लिए बस आप शोशा कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको वो ट्रेड करना होता है। अच्छा भाई, हमारे पास बहुत सारे पर्पस ऑफ लाइफ है फिजिकल। बहुत सारे एक्टर्स आते हैं और अब वो ये कहते हैं कि अब हमारे यहाँ सिलसिला ही हो गया कि अगर आप किसी लॉबी का हिस्सा नहीं है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है सर्वाइव करना। वैसा है, किसी टीम का हिस्सा बन जाए तो वैसा है। आप क्या कहते हैं? ऐसा है, लोग करते हैं, लेकिन मैं अब जिस बिलीफ पे चल निकला हूँ, कहीं कहीं ये बात सही का आप नजर आते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे भी ऐसी आपको तीन चार पिक्चर ऐसी दिखेंगी जिन्होंने हद से ज़्यादा कोशिश की कि वो बर्गरिज्म टाइप जरा शख्सियत बनने की कोशिश करेंगे और वो ऑन हो जाएंगे और वो हॉट हो जाएंगे, लेकिन वो हॉट नहीं हो पाए। लोगों ने ट्राई किया और ऐसे भी आपको लोग दिखेंगे, और ऐसे कई नाम है जो मैं ले सकता हूँ जो पता नहीं कहाँ से होते हुए आए और आज जिनको इंग्लिश विंग्लिश कुछ नहीं पता था, जिनको उर्दू तक सही बोलने नहीं आती थी, आज वो आपको एक हाई पेडिस्टल के ऊपर दिखेंगे, एक चमकता हुआ सितारा कहकशाओं के अंदर दिखेंगे। तो आपको लगता है जरूरी है या जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है कि आप किसी लॉबी का हिस्सा बने, दोस्तियां करें लोगों से, जरूरी नहीं है। देखिए, आपका जो कम्युनिकेशन है ना वो आप अपनी स्ट्रांग रखते हैं, वो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन क्या होती है, हाय हाउ आर यू, क्या हाल है जी, बहुत कहीं पे मिलने चले गए, लेकिन खास आपने फोकस किया हुआ कि मैं इसके अंदर घुसूंगा, हर वीकेंड घुसूंगा, इनके घर पे जाऊंगा, इनके दर पे जाऊंगा, इनकी पार्टी में जाऊंगा, मैं ये लेके जाऊंगा, मैं वहां डिनर दूंगा इनको, टारगेट किया हुआ, ये जरूरी नहीं है। कम्युनिकेशन रखना सही है, वो ये वाली बात है कि आपने कहीं पे वो है ना कुरान की आयत है सूरह नजम की 39, लैस लिल इंसानी इल्ला मा सअ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो एफर्ट्स करता है। एफर्ट्स ठीक है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उसका जो रिटर्न है वो आपको वैसे मिले जैसे कि आप चाहते हैं कि आप फवाद खान बन जाए, टॉम क्रूज बन जाए, ऐसे जैसे बहुत सारे लोग चाय वाला पे बैठ के चाह रहे होते हैं। नहीं, मैं नॉर्मल पठान की चाय पीता हूँ। अच्छा, मुझे चाय वाला का कोई शौक नहीं। नॉर्मल पठान की इस पे अगर हाँ नॉर्मल नॉर्मल पठान होते हैं, ढाबे की चाय, पठान की नॉर्मल चाय कर लें, पठान की नॉर्मल, तो वो यही है, बिल्कुल सही। अच्छा मुझे बताए, हर एक्टर का एक ख्वाहिश होती है कि जी मैंने ये कैरेक्टर करना है, तो फाई खान की क्या ख्वाहिश है, मैंने ये कैरेक्टर करना है कभी ना कभी? मैंने हाँ फेवरेट कैरेक्टर, मैंने डैनियल डेलोस की एक मूवी देखी थी, फिजिकली रिटार्डेड बंदा था, और उस तरह के मैंने कैरेक्टर बहुत सारे देख लिए। इमरान ने भी इस तरह का एक मिला जुला कैरेक्टर किया, और टीपू भी बहुत अच्छा है कैरेक्टर, टीवी वन के ऊपर ही कर चुका है एक बड़े जबरदस्त ड्रामे में। अच्छा, तो जो मेंटली जो फिजिकली रिटार्डेड होते हैं और मेंटली सही होते हैं वो उस तरह का जो कैरेक्टर होता है ना ये वाला, ऐसा मैंने किया नहीं है, मैं करना चाहता हूँ इस तरह का, लेकिन इसका स्केल, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो, इम्पैक्ट बड़ा हो। स्क्रिप्ट में हमारे यहाँ क्या होता ज्यादा, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है स्क्रिप्ट का भी एक स्क्रिप्टिंग लैंडस्केप चेंज होना शुरू हो गया है, अब लोगों ने उन एवेन्यूज को छेड़ना शुरू कर दिया है, वहां घुस गए जहाँ पे कोई गुस्सा नहीं था, जैसे पहले हीरो हीरोइन की कहानी थी, लेकिन नहीं, अब कैरेक्टर्स को ज्यादा नाइट्रोज लगाए जा रहे हैं कि ये निकल सकता है अगर कोई अच्छा आर्टिस्ट, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि कैरेक्टर आर्टिस्ट अब आपका निकल के सामने आएगा कोई भी हो। मैं अब कैरेक्टर आर्टिस्ट बन रहा हूँ, मुझे शौक नहीं है ऐसे हीरो बनने का, लेकिन कैरेक्टर्स अच्छे प्ले करूंगा उसमें ज्यादा मजा आता। मुझे बताया कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको मैं खरबों रुपए दे दूं, आप उन्हें ये नहीं कर सकता, मैं सॉरी यार ये नहीं करूंगा। नहीं, खरब रुपए देंगे तो कर लूंगा यार, लालची हो रहे हैं आप लालची हो गए एकदम से, लालची हो गए तो लालच हो नहीं, मतलब चले पैसे कम कर दो, पैसे कम कर दो यार, करोड़ कर ले, खरब रुपए तुम बोलोगे यार, चले 10 लाख रुपए कर ले, मैं आपको 10 लाख रुपए एक दिन का दूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन आपने ऐसा कौन सा कैरेक्टर आप गए यार, थोड़ा और कम करो, पैसे कम करो यार, आप तो यार आप बिजनेस कर रहे हो भाई। देखो बात सुनो, मैं एक प्ले के अंदर एक ख्वाजा सरा बन चुका हूँ, ठीक है, टीवी बन गई वो टेलीफिल्म थी, और भूख नाम था, पता नहीं क्या नाम था उसका। एक और सीरियल के अंदर मैं एक मेकअप आर्टिस्ट जो के दिखावे के लिए थोड़ा मीठा बनता है, उस तरह का कैरेक्टर प्ले कर चुका हूँ। और एक मैंने दूसरे एक चैनल के ऊपर किया था जिसमें होता दुनिया की नजर में मर्द है, बड़ा टाई शाई सूट वूट, लेकिन वो अपनी बेगम के सामने जाके औरत बन जाता है। अब मैं इनकी इतनी चीजें मैं चख चुका हूँ ना, मतलब इतना टेस्ट कर चुका हूँ और इतना मैं फ्लेवर दे चुका हूँ कि मुझे अब ये कैरेक्टर करना नहीं है कभी भी। अच्छा। इसलिए मुझे फिल्म मिली थी अभी एक लाहौर से, ठीक है, बहुत इंटेंस थी, मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं कर सकता हूँ, सॉरी। तो ये तीन तरह के कैरेक्टर जो आप नहीं करेंगे आप? हाँ, ये एक ही टाइप है, कैटेगरीज अलग अलग फॉलो करती है, मैं नहीं कर सकता। और कौन सा कैरेक्टर जिसको आप बोले फाइव भाई पैसे है ही नहीं हमारे पास ना, मतलब सिर्फ आना जाना दे देंगे आपको, लेकिन आप बोले यार कैरेक्टर है ये मैं कर, और आना जाना भी रिक्शे पे देंगे, गाड़ी नहीं, बिल्कुल ही गिरा दिया, बिल्कुल
नहीं मैं सच बोलूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ आना जाना देंगे, थोड़े से पैसे ले लूंगा मैं कर लूंगा। लेकिन वो कौन सा कैरेक्टर जब बोले हाँ ये मैं नहीं जान, ये इसी तरह का कैरेक्टर जो मैं कह रहा हूँ जो आपने पहले कहा था। बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्केल मुझे देखना पड़ेगा ना, स्क्रिप्ट असल में होता मसला ये है, आपको स्क्रिप्ट है एक डायरेक्टर होने की हैसियत से लेकर आएंगे, आपके लिए हर कैरेक्टर जो है ना वो बड़ा ही होगा, बड़ा ही होगा। हाँ। ये तो यार मेरा हिस्सा कहा है ना, ये तो मेरा प्रोग्रेटिव है कि यार मैं क्या पसंद करता हूँ अपने लिए, मैं किस पे ज्यादा अच्छा दिखाऊंगा। बिल्कुल आकाश भाई आप बताएं, कोई ऐसा गाना जो आपको करोड़ में दे दें आप नहीं गाओगे, उसकी कोई भी वजह नहीं, करोड़ में तो ये कुछ भी गा देंगे। नहीं यार, यार मतलब ये नहीं गाऊंगा, ये मैं नहीं गा, डर लगता हो नहीं गाया जाता हो या अच्छा ना लगता हो, कोई भी वजह को देगा कौन करोड़ में। ये आपकी टीम है, बताए कोई ऐसा गाना, बहुत से गाने हैं वैसे ऐसे, एक बता दे कोई जिसका गाना अटेम्प्ट करने से डर लगता हो कि भाई ये गाना नहीं गा सकते, कानों को हाथ लगाए। नहीं भाई हाँ हाँ, वो एक इंडियन है वैसे वो, हाँ कौन सा है वो, ये क्या है क्या है नाम बता दें, वो नहीं गाना अपना, अबे सिंगर ही हो ना, पेंटर तो नहीं हो, नहीं नहीं सिंगर गाने का नाम कैसे याद नहीं है, थोड़ा वो है क्या है, क्या है? अजीब सा है थोड़ा, हाँ अजीब सा है, जैसे आप नहीं गाना अजीब सा है, गाने वाला गाना भी अजीब सा है वो है, क्या सुन रहे हो भाई, कौन सा गाना क्या सुन रहा है, कौन सा अजीब गाना सुना है आपने, काजी भाई क्या हो गया, नहीं नाम याद नहीं आ रहा, एक मोटी बिल्ली ताजी थी, नहीं नहीं ऐसा नहीं क्या है भाई, नहीं याद आ रहा उनको यार आ। नहीं याद आ रहा ना, हाय हाय ये गाना है, गाना है अल्लाह माफ कर, मामी को फोन करो कैसे गाने सुन रहा है भाई, हाय हाय भाई गाने में होता है, आपने इतना बुरा किया है ये, मैं आपको कहूंगा कि आपको अरब रुपए भी दे तो मत गाइएगा, खुदा की फरमाइश आई थी मुझे एक दफा, लेकिन मैंने बोला भाई मना कर दिया, आपने कहा मैं ये वाला डांस कर दूंगा, लेकिन ये डांस भी तुम डांस हो जाती नहीं, ठीक है बहुत ही नजर वक्त है जी, ब्रेक का ब्रेक पर जाए, ब्रेक से वापस आए, हमारे साथ मौजूद है फाइक खान, आप देख रहे हैं द मजेदार शो, जी आप देख रहे हैं मजेदार शो, मेरे साथ मौजूद है आदि अदील अमजद, उनके साथ मौजूद है फाइक भाई, और अब हम खेलने लगे दिस और दैट, मजेदार 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 मजेदार। अच्छा जी होगा कुछ यूं कि आपसे एक सवाल होगा, उसके दो ऑप्शन हैं, आपने उसमें से एक ऑप्शन चुनना है, अपना ऑप्शन आप नहीं दे सकते, जब हम आपसे कहें तो आपने अपने पसंदीदा ऑप्शन को जस्टिफाई करना है कि मैंने ऑप्शन क्यों चुना, ठीक है जी, पहला सवाल वेब या फिर टीवी, टीवी टीवी, कमर्शियल्स या फिर सीरियल्स, कमर्शियल्स, पॉजिटिव कैरेक्टर्स या फिर नेगेटिव कैरेक्टर्स, नेगेटिव कैरेक्टर्स, बुशरा अंसारी या मरीना खान, यशमा गिल या फिर सिराजगर, सिराजगर क्यों, सिराजगर क्यों और यशमा गिल क्यों नहीं, सिरा बोलते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू, यशमा गिल ऑलरेडी छाई हुई है, छाई हुई है, अब जो सीरियल में यूं समझना है, मैं उसको डिफाइन करता हूं, मैंने वहां पर डिफाइन किया था, यशमा गिल वो कैरेक्टर है सीरियल के अंदर जिसने जिसके स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं, 10 लोगों मेन हुक है बेसिकली, ठीक है, हां जी, बट सिराजगर का वो कॉन्ट्रास्ट है जो कि ड्रामे की टोन ऐसे सेट करता है कि उसने यशमा गिल को यहां से पकड़ लिया है, एकदम से सिराजगर ने अपने 15,000 मजीद बढ़ा लिए, वेरी गुड, ठीक है जी, राहत आलम या फिर अली अंसारी, आप देख कर आए ना कौन कहां क्या काम कर रहा है, अच्छा जी अली अंसारी, ठीक है, अदनान शाह टीबू या फिर सलीम मेराज, सलीम मेराज, सलीम मेराज, वेस्टर्न कपड़े या ईस्टर्न कपड़े, ईस्टर्न कपड़े, ईस्टर्न कपड़े, फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, 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 वर्कआउट एट होम या वर्कआउट एट जिम, सिर्फ वॉक कर सकते हो, मेरा जरा एल वाले मसाइल हैं, एल वाले मसाइल हैं, L5S1, ये क्या है, मेरी कमर के मसाइल हैं यार, ये इनका पीछे बारकोड लगा, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट, इनको पता है, मैं नहीं भाग सकता, बैकबोन में कुछ मसला है, अच्छा बैकबोन में जी बेटा, हाँ वो तो, अच्छा जी हाँ, ये बताए दानिश तैमूर या फिर कामरान जिलानी, कामरान जिलानी, कामरान जिलानी, वेरी गुड, इंट्रोवर्ट है एक्सट्रोवर्ट है, मैंने शुरू में कहा था मुझे आप बड़े इंट्रोवर्ट से लगते हैं, इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट है आप, कभी किसी ने मशवरा दिया ये वाला कि यार थोड़ा बोला करो यार आगे बढ़ना है लाइफ में, लेकिन दोस्तों शोस्तों में तो आप बिल्कुल सही चलते हो, दोस्तों में सही चलते हो, ठीक है, ऐसे नहीं मैं जिनको जानता नहीं उनके साथ में, असल में मुझे ऐसा लगता है आप इंट्रोवर्ट नहीं है, आप इजी है, ओके डिफाइन प्लीज, पता नहीं है, मिसाल के तौर पे कामरान जिलानी मेरे साथ होते तो इन्होंने मुझे देखा है, मैं जी, बिल्कुल, बिल्कुल, कैसे मजाक कर रहा होता हूँ, हाँ बिल्कुल आउट होता हूँ, बिल्कुल दोस्तों के साथ आउट होता हूँ, अच्छा जी विंटर्स या फिर समर्स, विंटर्स, विंटर्स, विंटर में सुबह सुबह नहा लेते हैं या नहीं नहाते, नहीं नहीं आता, अब तो गैस भी नहीं आ रही यार, बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सुबह, नहा रहे नहीं आज नहीं नहाया है ना, ये बड़ा 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 मसला है, शुरू से आज मैं नहाया कहां था, अपनी खाला के घर पे जाके नहाया था, क्यों वहां गरम आ रहा है, हां गरम आ रहा, वहां गरम, देसी खाना या अंग्रेजी खाना, देसी खाना, देसी खाना, देसी खाना, उर्दू अदब या फिर इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू अदब ऑफ कोर्स, वेरी गुड, अवार्ड्स या फिर नो अवार्ड्स, नो अवार्ड्स,
अवार्ड से सबको क्या मसाइल है, मैं जानना चाहता हूं। अवार्ड को क्यों आता है ना फाइक भाई, कहता यार अवार्ड को मानते ही नहीं है। बाइस्ट बाइस्ट ये पक्का है, तो कोई भी अवार्ड सही नहीं मिलता आपको लगता है? क्योंकि कोई एक तो सही होगा, कोई एक आध सही होगा तो होगा। बेस्ट टिकटॉकर अवार्ड सही नहीं होता? नहीं नहीं, टिकटॉकर्स क्या क्राइटेरिया है ये चेक करने का कि यार ये बहुत अच्छा एक्टर है, जस्ट एक लाइन के ऊपर आप अच्छी सी एक्टिंग कर दें तो कोई नहीं ना। तो आपको लग रहा है कि अवार्ड सही नहीं है? आपको धात के अंदर आपको जलने के बाद एक कुंदन बनना होता है यार, वहां तक का सफर आपको तय करना पड़ता है, फिर आप बनते हैं कुछ यार, फिर कायनात का मालिक आपके लिए पूरी दुनिया हिला देता है ना, फिर आप कहते हैं उसको कि मेरे लिए हालात चेंज करो, चेंज हो जाते हैं, सब गुजर के आते हैं। अभी इसी को एडिट करके म्यूजिक डाल के इसके टिकटॉक बनेंगे जो आपने बोला। ये टैलेंट है। हाँ ये भी तो मसला है ना, अच्छी बात बोलो तो उसका भी टिकटॉक बनेगा। अभी चल रहा है और बाइक में क्या बात, एको में चल रही होगी ये, बता साइकिल या फिर बाइक? बाइक बाइक बाइक। बस या फिर रिक्शा? बस। जॉन एलिया साहब या फिर मोहसिन नकवी साहब? जॉन एलिया। ये बताए गद्दे पे सोना या जमीन पे सोना? यार अब मैं इसकी वजह जमीन पे सोता हूँ कभी कभी। अच्छा हाँ, वो कहते हैं ना फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस में सोना पड़ता है। ये वैसे हुआ कैसे आपको? वेट वगैरह उठाया तो, और क्रिकेट इस तरह से खेल रहा था, और एक्सरसाइज में जो एक वो थी ना टी बार जिसे कहते हैं जी, जी, जी। उसका लॉस है, इसलिए मना करता हूँ जिम वालों को कि यार ये एक्सरसाइज नहीं किया करो, नहीं किया करें क्योंकि वो जल है, वो वर्टिब्राज है, वो आपको नुकसान देगा, खराब हो जाते हैं। ठीक है, अनवर मकसूद साहब या फिर यूनुस भट्ट साहब? अनवर मकसूद साहब। अनवर ड्रामे या फिल्में? फिल्में फिल्में। ठीक है जी, रिकॉर्डेड शोज या लाइव शोज? लाइव शोज। मॉर्निंग शोज या इवनिंग शोज? मॉर्निंग शोज। मॉर्निंग शोज ठीक है। मॉर्निंग शो की कौन सी होस्ट पसंद है आपको? शाइस्ता वाइदी। शाइस्ता वाइदी, उन्होंने ऑप्शन से पहले जवाब दे दिया आपके। ये तो थी नहीं। तुमने ऑप्शन नहीं दिया था। अच्छा मॉर्निंग शो में जाके हाँ बस यही था। मॉर्निंग शो में जाके क्या डांस वांस करना? नहीं नहीं कुछ और। मुझे वो मॉर्निंग शोज बुरे लगते हैं। अच्छा, मुझे जिसमें कॉन्वर्सेशन हो, आपका अच्छा तर्ज गुफ्तगु हो, अच्छे अच्छा मतलब एक एक मुफस्सिल आपके बारे में बातचीत हो, वो अच्छा डांस रोड का मेकअप नहीं चलेगा? नहीं नहीं ना डांस वांस नहीं। हाँ। ना क्या जब फाइ के लिए लड़की ढूंढेंगे? नहीं 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 ये नहीं पसंद। ठीक है, आइसक्रीम या फिर आइस टी? आइसक्रीम। और आइसक्रीम कौन सी, कोन वाली चम्मच वाली? चम्मच वाली। कोन वाली क्यों नहीं, मर्जी उनकी। अच्छा ट्रैवल कैसे पसंद करते हैं, बाय एयर या फिर बाय रोड? बाय एयर, मैं ड्राइव नहीं कर सकता। ड्राइव करते ही नहीं है? ड्राइव मतलब ज्यादा इतना नहीं कर सकता, लोग को शहर शहर नहीं जा सकते, शहर शहर नहीं जा सकता, अगेन वही सिटी विटी में जाते हैं। ठीक है, बिरयानी या फिर पुलाव? बिरयानी। वैसे भी दोनों चीजें हैं ये। नहीं, एक, नहीं, एक, एक अगर ऐसी बात है तो फिर पुलाव, उसकी वजह ही है क्योंकि मैं खास खुद गोश्त बछिया का सीने का लेकर आता हूँ, रवास वाला। वाह वाह, सीने का रवास होता है ना, उसके अंदर जो बर्फियां होती हैं, हाँ, वो जो कोलेस्ट्रॉल होता है, चिकनी बोटियां होती हैं, और उसके साथ जो 6 घंटे यखनी बनती है। भाई जरा एक सेकंड दिखा, मैं थूक गया है, जरा मुंह बहुत सारी मुंह में पानी आ गया, बनाने वाले के भी और सुनने वाले के भी। पहले मुझे जो पुलाव होता है उसके साथ आप रायता अचार डाल के खाते हैं? वो मैं कहता हूँ दही वाला, जो टमाटर और खीरे का जो छोटे छोटे चॉप करके डालते हैं वो वाला, और लाल चटनी लहसुन की, लाल चटनी ना, वेरी गुड। गेम वही है, और उसके साथ कबाब। उसका कबाब, कबाब किसके? कभी एक दो लुक में ले लेता हूँ। कबाब किसके? शामी कबाब। नहीं शामी कबाब, शामी कबाब सुबह नहीं। कौन से गोश्त के? बीफ। कहाँ कौन सा हिस्सा बीफ का? आपने जितनी डिटेल से हमें बचिया बताई थी, मैं कहा पूछ लूं। शामी कबाब। ओके, शामी कबाब कोई भी हिस्सा, किसी भी हिस्से का, थाई हो या कोई भी, थाई हो या जापानीज़ हो, थाई कह रहे थाई। अच्छा ये अच्छा जी, बताए ननिहाल या फिर ददियाल? ननियाल। ननियाल क्यों? ददियाल क्यों नहीं, कमी दी मिली मारा था आपको बचपन में? मारा था यार, मैं अटैच ज्यादा ननियाल से रहा। अटैच थे आप? ठीक है, जैसे अटैच होता है ना। हाँ ठीक है, पाकिस्तान या फिर अब्रॉड? हाँ। ओ सच बताइए, गुगली, दो लेग ब्रेक और फिर एक गुगली, फॉरन वो ना बन जाएगा, जान दूंगा तो इस मुल्क के लिए। अब्रॉड। अब्रॉड कहाँ? अब्रॉड में कहाँ? अब्रॉड में कहाँ? इटली। इटली। आप लगते भी हैं तो आप जा सकते हैं, हम पकड़े जाएंगे वहां फौरन। अच्छा जी ये बताएं, लेट या फिर पंक्चुअल? इन दोनों के बीच दरमियान, थोड़ा सा लेट। हाँ। कभी लेट, थोड़ा, थोड़ा सा लेट, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लेट। कभी टाइम पे आ जाता हूँ, कभी लेट हो जाता हूँ। ये बताइए मैट्रिक या ओ लेवल्स? मैट्रिक। मैट्रिक 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 पसंद है आपको? ठीक है, क्रिकेट या फिर फुटबॉल? क्रिकेट। क्रिकेट क्रिकेट ठीक है। एक्शन फिल्म देखते हैं या हॉरर फिल्म देखते हैं? जो सब्जेक्ट हुआ नहीं, एक्शन का ज्यादा प्रेफरेंस क्या है? दो चैनल्स पे, एक पे एक्शन आ रही है, एक पे हॉरर आ रही है, कौन सी देखें? एक्शन देखें। ये बताएं कि म्यूजिक जो है लाइव सुनना पसंद है या रिकॉर्डेड? नहीं, अब लाइव सुनना पसंद। लाइव जाते हैं कॉन्सर्ट पे? जाते हैं, पहले बहुत जाता था, अब क्यों नहीं?
अब उतने होते भी तो नहीं, नहीं, नहीं होते भी नहीं, ऊपर से बस अब नहीं जाता, दिल नहीं करता, दिल नहीं करता। ठीक है ठीक है। चाय या फिर कॉफी? चाय, लेकिन विंटर्स में सिर्फ कॉफी ज्यादा। कॉफी। बेबी बॉय या बेबी गर्ल? अब तो दोनों ही है यार मेरे पास। आप मतलब फिर भी आप मैं जो स्टार्टिंग में शौक था मुझे तो वो बेटे का था। बेटे का था। और आप? तो अब बेटी हो गई, अब हो गए पूरे दोनों, दोनों का शौक। ठीक है, ये बताएंगे वोट या फिर नो वोट? नो वोट। नहीं, लास्ट टाइम दिया था? लास्ट टाइम दिया। किसको दिया था? स्टार है। किसको दिया था? पूछ रहा है किसको दिया था, बोलो। जहाँ दिया था वहाँ पछतार है। आपने दिया था, हमें मिला है। ऐसा वोट मिला है हमें। चले कोई बात नहीं। सोशल मीडिया है, नो सोशल मीडिया? इन दोनों के बीच में कर लिया। भाई बड़ी ट्रोलिंग शोलिंग भी होती है, लोग कमेंट्स पढ़ते हैं आप? नहीं, इतने ज्यादा शौक से नहीं पढ़ते। नहीं, अपने ड्रामे के पढ़ रहा हूँ आजकल। हाँ, कमेंट्स कोई ट्रोल करता है? कभी हुए ट्रोल आप किसी को? बहुत होते हैं अभी अपने ड्रामे के अंदर। जैसे कि कोई बहुत ज्यादा अपलिफ्ट कर देता है। ड्रामे में तो कोई ऐसी बात ही नहीं, क्यों बिला वजह क्यों ट्रोल? बिला वजह लोग होते हैं ना, कीड़ा होता है ना उनके। क्या पढ़ा था यार? लोगों का कीड़ा होता है, खवातीन होता है, हमें पता चला। ये यकीनन लिखा हुआ होगा जो कि हर वीडियो के नीचे लिखा होता है, भाई इसको ये काम नहीं आता छोड़ दो, ये लिखा होगा यकीनन। लोग हर देखे अच्छाई और बुराई अजल से अब तक चल रही है ना, तो अच्छाई और बुराई का एलिमेंट इंसानों से नहीं आएगा तो जानवर से थोड़ी आएगा। लेकिन डिजिटल वाले इंसान तो बुराई पे ही चल रहे हैं हारे। वो कौम का मसला है, कौम की तरबियत का मसला है। बाहर ऐसा नहीं होता, बाहर वो बात करेंगे जो जेन्युइन होगी, क्रिटिसाइज करेंगे। तनकीद बराए तनकीद वाली कहानी नहीं है। अच्छा ये बताएं, बाबर आजम या फिर रिजवान? बाबर आजम। शाहीन शाह अफरीदी या हारिस रऊफ? शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह। ये बताएं, इमरान खान या शाहिद अफरीदी? It's a cricketer question. Good यार। इमरान खान। इमरान खान। अच्छा मैनेज किया तुमने। Very good. खाना पकाना या खाना खाना? खाना खाना। खाना खाना। लेकिन जो आपने पकाया है ना। और खाना? अच्छे का गोश्त, ये सीने का। उसकी क्यूब्स होती है। ये सीने का, ये कल फट गया था, ये सीने का है, फिर इस्त्री कर देना। बर्फी भी होती है उसमें। बर्फी, बर्फी उसको कहते हैं रवास को। जी जी। रवास को, चर्बी होती है वो, वाइट वाली। रवास हम भूल जाएंगे, बर्फी अच्छा है। बर्फी चर्बी वाली बोटियां, ये सीने की जिसमें वो होती है वो रवेश। रवास। रवास। ये बताइए, आपने कहा खाना खाना ज्यादा पसंद है, किसके हाथ का खाना सबसे अच्छा लगता है? मुझे अपनी वालदा के हाथ का, और उसके बाद फिर चूंकि वालदा तो वो नहीं बना पाती तो मुझे अपनी बीवी के हाथ का। फेवरेट फेवरेट डिश क्या है जो आप बोले मैं किसी दिन भी किसी वक्त भी खा सकता हूँ? व्हाट इज इट? पुलाव। कौन सा पुलाव? बीफ पुलाव। वही वाला पुलाव? बीफ पुलाव, मंदी बीफ पुलाव, नहारी का गोश्त, नहारी का गोश्त, नहीं बर्फी, बीफ पुलाव, नहारी। नहारी में सर मैं प्रेफर करता हूँ बोंग का गोश्त, वो नहीं होती। बोंग का? बोंग का अजीब सी चीज नहीं होती? नहीं नहीं, बोंग का गोश्त भी होता बेटा। बॉन्ग का गोश्त नहारी के लिए भी तो बॉन्ग करते हैं। नहारी के लिए स्पेसिफिकली बॉन्ग का गोश्त, और वो मुझे लवाजमात बहुत चाहिए होते हैं। कोई भी खाना कसाई कम्युनिटी की तरफ चलेगा तो मैं हाँ ब्रेन मसाला और उसके साथ वाली चीजें डालता हूँ मैं नहारी में, अगर वो ना हो मैं नहीं खाता। अच्छा, और आप पाए खाते हैं? पाए बहुत शौक से खाता हूँ। अरे इस आदमी ने मुझे सुबह 6 बजे उठा के लाहौर में ले गया। 5 बजे 5 बजे उठा के बादशाही मस्जिद के पास। यस सर, जबरदस्त बच्चे के पाए। बच्चे नहीं, वहाँ पे एक और जगह है यार, बड़े के पाए भी होते हैं। हम उस टाइम पे गए वहाँ सिर्फ पाए थे और मैं और आदि थे। और पाए ने मैं यूं देखा, क्या है भाई? नहीं नहीं यार, बड़े के पाए ज्यादा अच्छे होते। बड़े के हों छोटे के, हमें तो पाए चाहिए। हाँ, हमें तो पाए खाए। क्यूटी पाए। छोटे में मुझे कुन्ना पसंद है बेसिकली। छोटे। अच्छा मुझे ये बनाए, नाखून खुद काटते हैं मैनीक्योर पेडीक्योर कराते हैं? नहीं नहीं, खुद काटते हैं। खुद काटते हैं। ये बताएं कि अगर दांत में बोटी फंस जाए तो कैसे निकालते हैं, टूथपेस्ट से या कोने से नाखून मार के ऐसे? बड़े डिटेल है भाई लड़के के सवाल में। हमारे को भी पता है सर, छाती का गोश्त। स्टार्टिंग में कोशिश करता हूँ निकल से निकल आए, वरना फिर टूथपेस्ट यूज कर लेता हूँ। अक्सर मैं कहीं जाता हूँ रेस्टोरेंट्स में तो जो एक्स्ट्रा टूथपेस्ट होती है उसको मैं एहतियातन बैग में रख लेता हूँ। अच्छा, वो काम आती है। ये अब आपने यूं निकाला तो आप किस तरह निकाल दे बोटी? देखे ये कोने से नहीं, 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 मेरा, मेरा। You did not listen to the question. हाँ। ये देखे ये मेरी बोटी फंस गई। हाँ। तो ऐसे निकालते हैं यूं करके। हाँ। ये यूं करते हैं। कौन सा वाला है? मेरा जो तरीका होता है ना, कहीं मैं होता हूँ तो चूके कहीं शूटिंग या कहीं पे होता हूँ तो मेरा ये तरीका होता है, हाथ रखता हूँ बिल्कुल, और मुझे अगर जहाँ पे प्रॉब्लम है मैं कर रहा होता हूँ टिश्यू से हाथ पोंछ ले। कल कोशिश की कि जबान से ही निकाल लें बोटी बाहर, वो जो बंदा बैठा होता यूं कर रहा था। कोशिश करते हैं ना, इंसान है ना इंसान। नहीं नहीं की, भाई नहीं की कोशिश यार। सही है, कभी अगर की भी होगी तो वापस निकल लिया होगा। वापस निकल ले, जहां से बैक टू द फ्यूचर मुंह में ना जा। ठीक है भाई, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। वक्त है दो इंतहाई अहम सवालात का, एक आदि भाई पूछेंगे एक मैं पूछूंगा, जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन है। जी आदि भाई, मैं आपसे आज जो सवाल करूंगा वो ऑन द बिहाफ ऑफ मीडिया इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान
से करूंगा। इस सवाल, इन दोनों सवालों का हमारा मकसद ये होता है कि हम एंटरटेनमेंट के साथ साथ लोगों को एंटरटेनमेंट भी दें। ये याद रखिएगा, टीवी पे ये एक बार चलेगा लेकिन डिजिटल मीडिया पे हमेशा चलेगा, और ये दो सवाल हमारे थोड़े से वायरल भी हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल देख के जवाब दीजिए, आपको क्या लगता है कि फाइक एज अ पाकिस्तानी मीडिया आर्टिस्ट, इन दोनों में से नई जनरेशन के लिए ज्यादा बेहतर चीज कौन सी है, जो लोग हम आना चाहते हैं मीडिया में, दोनों में से ज्यादा बेहतर चीज कौन सी है, नाड़े वाली शलवार या इलास्टिक वाली शलवार? नाड़े वाली शलवार। ठीक है, वेरी गुड। क्यों आपको लगता है बेहतर है? बिग सोचो, मेच्योर सोचो, दैट इज मैच्योरिटी। ठीक है, मतलब उतर सकती है कभी। ये सबको उतरने का कहाँ घूम रहे हैं आप सब लोग? हम उतार चुके हैं ना। What goes around comes around वाला। हमारे जो दोस्त पहनते थे, हमारा मजगला ही था। टेंशन नहीं है, कोई बदला लेने ना आ जाए। ठीक है, ये भी सही। ठीक है जी, वेरी गुड, बड़ा अच्छा जवाब दिया। मेरे दोस्त जब उतारते थे ना, कहते थे ये लो शटर खोल दिया। खैर, मेरा बचपन, दैट इज नॉट शटर एक्चुअली, मेरा शटर यूं खुलता है उनको बस। ठीक है ना, मेरे बचपन की बात है, इसके शटर को रिवर्स कर लो। ठीक है, चलिए शटर को छोड़ देते हैं। आखिरी सवाल ये बताइए, आदि या फैजान? इसमें जस्टिफिकेशन नहीं है, सिर्फ नाम है। यार मैं तो बीच में रहूंगा यार इसमें। सर ये तो जवाब देना पड़ेगा आपको, मॉनिटर में देखो ऐसा लग रहा है काफी। ये जो आपके पीछे लोग हैं, इनके अलावा बहुत सारे लोग आए थे और उन्होंने बड़ी कोशिश की यही जवाब देंगे कि बीच में या फादी या एजान या ऐसे या वैसे, लेकिन जवाब देना पड़ा था भाई। तो मसला नहीं, लेकिन मैं इस तरह आगे छोड़ देना। मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ। ना ना ना, सबने किया है फाइक भाई। इसका एक स्कोर चल रहा है पिछले कोई 200 एपिसोड से चल रहा है। हाँ, असल में एक स्कोर कार्ड है, तो उसमें आपने अपना हिस्सा डालना है। आप मॉनिटर में अगर देखें तो ऐसा लग रहा है मुझे आग लगी है। सॉरी, बहुत मुश्किल रखा है हमने। मुश्किल तो है, और इनफैक्ट हमें, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। एक सेकंड जरा कि अभी मैं और आदि ट्रैवल कर रहे थे तो हमें कुछ लोग मिले। अरे हाँ। और उन्होंने हमसे सवाल पूछा, आप लोग ये सवाल रखते क्यों हैं? तो हमने कहा भाई, इट्स पार्ट ऑफ आवर शो एंड इट्स ओनली फॉर फन। खाली मजाक के लिए आप लोग मक्के में सीरियस में? भाई क्या हो गया? मसला है कि तो यू बोथ कंप्लीट ईच अदर। हमने ये पहन मैंने तुम दोनों को बड़ा तुम दोनों कर रहे हो उसमें नापा तोला है। मैं कैसे कर दूं? मैं एक ही चीज पे फंसा हूं ना अभी तक, यही है। और यही जवाब, यही वो है जिसमें फंसना नहीं। मैं नहीं कर, मैं कहता, तुमने मुझसे जवाब मांगा ना, तुमने जवाब, एक सेकंड, तुम दोनों ने जवाब मांगा जी, जी। मैंने तुम्हें जवाब दिया क्या? तुम दोनों नहीं, दोनों तो ऑप्शन दोनों बराबर में बता देते। हमने शुरू में कहा था ऑप्शन आप अपना नहीं दे सकते, एक चुनना है। तुम लोगों का ऑप्शन था, मेरे उससे थोड़ी है फर्क पड़ता है यार बॉस। हाँ, असल में मैं वो खड़े मुहिब भाई, पता नहीं कितने सालों से यहाँ पे खड़े हुए हैं। उन्होंने बड़ी कोशिश की थी, 35 मिनट कोशिश की थी, वो करते रहे, हम भी खड़े रहे। हमने कहा नहीं, ब्रेक पे नहीं जाएंगे, फॉर्मेट है हमारे शो। हाँ, ये आखिरी जवाब है, इसके बाद ब्रेक है। मैं बैलेंस ही कर रहा, मेरी भूपी के बेटे थोड़ी हो तुम दोनों यार। क्या बताओ, एक बात कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ कि यू कंप्लीट ईच अदर, वो तो ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, लेकिन जवाब हमें चाहिए। लेकिन ये जो सवाल है ना, ये जरूरी नहीं है कि दोस्ती या काम या रिश्ते से हो। हाँ, ये बस जनरली है कि दिमाग में क्या आना, बताओ क्या होगा। स्कोर कार्ड में कुछ भी नहीं आएगा यार। तुमने राहिद और अली दोनों मेरे दोस्त हैं। राहिद मेरा बहुत पक्का दोस्त है, ठीक है जी। अली से मैं अभी मिला हूँ, मैंने उसका भी बता दिया जो मुझे बेटर लगा। एक बात है ना, हालांकि राहिद भी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। अब अगर तुम अपने ऊपर लेकर आ रहे हो तो मैं सच बोल रहा हूँ यार, तुम अगर बजे तो रहोगे इसमें, मैं ऐसे प्रोग्राम से जा सकता हूँ। आई कैन नॉट भाई, ये अब देखो तुम मुझसे पूछो, आदि या फैजान? फैजान, आदि या फैजान? आदि। आप बताए, ये तो तुम दोनों बोल रहे हो ना यार। ये पता कैसे करे, तुम दोनों चला गो लेकिन मैं पकड़ लो यार। भाई भाई प्लीज जवाब दे, भाई प्लीज बताओ। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ब्लैक और व्हाइट के बीच में हमेशा ग्रे होता है, सही है? वो जो ग्रे है ना, दैट इज द बेस्ट पार्ट। अब मसला ये कि यहाँ ब्लैक और येलो है, उसका फासला नापना जरूरी है। आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन एक नाम, लेकिन जवाब हमें चाहिए होगा। नहीं मिलेगा, देखिए मसला होता क्या होगा, गैस जाया हो जाएगा और जवाब नहीं मिलेगा तो स्कोर कार्ड नहीं बढ़ सकेगा। स्कोर कार्ड बहुत अपनी क्रूशियल चीज पे है, स्कोर कार्ड बहुत, आप यकीन करें ये चल रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे तुम लोगों से कोई प्यार नहीं है, लेकिन मैं सवाल का जवाब वो दूंगा जो यहाँ है मेरे। क्या है? तुम लोगों की मर्जी से थोड़ी दूंगा यार, यही है। और ट्राई करते हैं, मैं तुम लोगों को। हाँ, अच्छा, हम आपको डॉच करते हैं, बता रहे हैं आपको डॉच करेंगे। आपको क्या लगता है कि ज्यादा बेहतर इन दोनों में से कौन है, आदि या फैजान? अच्छा आप बताइए, आपको ये क्या लगता है? मैं आपको बता दूं, आदि भाई मेहनत कर रहे हैं जी। आदि भाई आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से ज्यादा बेहतर पर्सनैलिटी किसकी है, आदि या फैजान?
नहीं चला। अब ये बताइए कि ज्यादा बेहतर होस्ट कौन है, आदिया फैजा? बताने लगे स्कोर रिफ्रेश करता हूँ। आईक्यू इंटेलिजेंट कोशेंट वो अलग है, इमोशनल कोशेंट अलग है, तो तुम्हारा अपना एक ह्यूमन एट्रीब्यूट अलग है, तुम्हारा कमाल और जमाल अलग है। उसको अब जब आप यकजा करते हैं तो वेट जो है वो बराबरी हो जाता है। दैट इज वाई कोई चीज कमी होगी तो कोई चीज ऊपर हो जाएगी। इसमें कोई कमी नहीं है, तुम में कोई कमी नहीं है, इसमें कोई ज्यादा नहीं, तुम्हें भी कोई ज्यादा नहीं है आपके मुताबिक। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो ज्यादा है। यार मैं कैसे, अच्छा सीमा जी जबरदस्ती मारती हैं फिर? नहीं तो तुम लोग जबरदस्ती क्यों? मैं तुम्हें क्या लगता है मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम में से कौन सा बेहतर होगा? नहीं नहीं, हम दोनों के आपसी एक राइवल है क्योंकि हम दोनों की बनती नहीं। मैंने इतनी देर से सच बोल रहा हूँ तुम लोगों जी, बिल्कुल तो अभी भी तो सच बोल रहा हूँ। अब तुम मुझे ऑप्शन नहीं दे रहे तो मुझे गोद ले लो अपने पास। चले ये बताएं आपको इन तीनों में से ज्यादा बेहतर कौन लगता है, आदि फैजान या काशिफ? कैसा हमने गेम आगे बढ़ाया? आप बोले ये तो आसान कर दिया ना, इंसान को रुकना नहीं चाहिए। फाइक भाई काशिफ तो मुझे बिल्कुल बेहतर नहीं लगता। काशिफ हमने बड़ी खूबसूरत, उनके मुंह का जायका खराब हो गया, कहते बिल्कुल बेहतर नहीं लगना काशिफ तो। देखिए अब तो हमने तीन ऑप्शन दे, चार दे दूं, चौथा बढ़ा दो। चलो आपको क्या लगता है कि इन चारों में से ज्यादा बेहतर कौन? हाँ आदि फैजान काशिफ अंजुम? अंजुम अंजुम चलो भाई के लिए अंजुम जी के खानदान में ना आगे को या ना पीछे, सिर्फ वन अंजुम ऐसे ऊपर से आई थी। ठीक है अपनी जात में अंजुमन है। वाह खवातीन हज़रात हमने बड़ी कोशिश की लेकिन फाइक भाई जो है वो हमें जवाब नहीं दे रहे। कोई बात नहीं लेकिन अंजुम जी का आज पॉइंट हो गया तो हम एक नया स्कोरबोर्ड बनाएंगे अंजुम जी का और अगली दफा से ऑप्शन देंगे कि आदि फैजान या अंजुम। हाँ, मुझे लगता है वही निकल जाएंगे आदि फैजान अंजुम और काशिफ भाई भी। अब से चले ठीक है, मुकाबला सख्त हो गया, मुकाबला आगे बढ़ गया। हाँ चार वोटों पर चली गई बात, ज्यादा ऑप्शन दे दिए हमने। ब्रेक पे जाने से पहले काशिफ भाई आप क्या सुनाएंगे हमें? जी बहुत ही खूबसूरत गीत है जुनैद जमशेद साहब का। आप देख रहे थे मजेदार शो, मेरे साथ मौजूद है आदि अदील अमजद, उनके साथ मौजूद है फाइक भाई और अब हम खेलने लगे 5 सेकंड रूल। मजेदार 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 होगा कुछ यूं कि आपसे एक सवाल होगा, उसके जवाब देने के लिए आपके पास सिर्फ 5 सेकंड होंगे और उसके अंदर आपने जवाब देना। जवाब दे देंगे तब आप वो लाखों करोड़ों रुपए का बजर बजाएंगे। जरा बजा के दिखाएं। वेल डन। 5 सेकंड हम आपको सुनाते हैं, 5 सेकंड। लेकिन इन पे भरोसा मत कीजिएगा, कभी कभी ये 3 सेकंड में भी 5 सेकंड कर देते हैं। ठीक है जी, तैयार हैं? ओके। पसंदीदा 3 पॉलिटिशियंस के नाम बताइए। शेख रशीद, शाहिद खाकान अब्बासी
बाबर क्या नाम था? देर हो गई आपको, कोई बात नहीं, ये बताएं तीन सी एनिमल्स के नाम बताइए। विल, शार्क्स। बहुत स्लो चल रहे हैं, फाइव पे थोड़ा तेज हो जाएं। तीन सिटीज पाकिस्तान की जिनका नाम एल से आता हो। अब मुझे लाइफलाइन लेनी पड़ेगी आदि भाई। यस सर। पाकिस्तान की तीन सिटीज जो एल से आती हो। लाहौर, लड़काना, लसबेला। लसबेला? हाँ। लसबेला कौन सी सिटी है? गांव है। अच्छा गांव है, ठीक है जी। तीन कार ब्रांड्स के नाम बताइए। BMW, Mercedes, Volkswagen। वेरी गुड, ठीक है जी। तीन चीजें जो आपके बैग में हर वक्त मौजूद होती हैं। ब्रश। आदि भाई, yes! आपके बैग में तीन चीजें हर वक्त मौजूद होती हैं। फोन, बार्स, कार्ड। ओके, वेरी गुड। तीन ऐसे एनिमल्स जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हों। गधा, घोड़ा, गाड़ी। गाड़ी? गाड़ी कौन सा एनिमल है? आदि भाई, yes! तीन ऐसे एनिमल्स जो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। गधा, घोड़ा, हाथी। वेरी गुड। लेकिन एक बात तुमने नोट नहीं की, गधे की तरफ, गधा बोलते हुए उन्होंने तुम्हारी तरफ देखा, क्यों? अच्छा जी, तीन ऐसी डिशेस जो कि आप ताफ्तान के साथ खा सकते हैं। कुन्ना, कोरमा, नारी। आदि भाई, यस। तीन ऐसी डिशेस जो आप ताफ्तान के साथ खा सकते हैं। कुन्ना, कोरमा, हलीम। हलीम ताफ्तान के साथ? हाँ, मीठा पीका। मीठा पीका, यस। अच्छा जी, तीन मिठाइयों के नाम बताइए। चमचम, गुलाब जामुन, बालूशाही। क्या बात है, ठीक है। तीन इफ्तार आइटम्स। समोसा, रोल, चाट। तीन ऐसी चीजें बताएं जो लंबी अच्छी नहीं लगती। बातें बातें बातें। सही है, सही है। अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया। अच्छा जी, ये बताएं तीन ऐसे पॉलिटिशियन जो झूठ बोलते हैं। सारी पॉलिटिशियन झूठ बोलते हैं। वेरी गुड, एक्सलेंट जवाब। पूरी पॉलिटिक्स डिबेट दी। तीन ऐसे एक्टर्स जिनको पॉलिटिशियन होना चाहिए। आयशा खान, अदनान सिद्दीकी। दो हुए खाली। आदि भाई, यस सर। तीन ऐसे एक्टर्स जिनको पॉलिटिशियन होना चाहिए। इमरान, अशरफ, आमिर लियाकत और नुमान इजाज। आमिर लियाकत तो है। आमिर लियाकत पॉलिटिशियन है? और नहीं तो क्या, मतलब अपनी तरफ से तो है। अच्छा, अपनी तरफ से। हाँ, ठीक है। अच्छा जी, तीन ऐसे पॉलिटिशियन जिनको एक्टर होना चाहिए। शेख रशीद। आदि भाई, यस सर। तीन ऐसे पॉलिटिशियन जिनको एक्टर होना चाहिए। शेख रशीद, सरदार साहब, मरियम नवाज। वेरी गुड, वेरी गुड आदि। तीन ऐसे आइटम जो कि क्लिनिक में मिल जाते हैं। दोबारा? तीन ऐसे आइटम जो क्लिनिक में मिल जाते हैं। स्टेथोस्कोप, इंजेक्शन, पट्टी। वेरी गुड। तीन एक जैसे नाम बताइए। नहीं, आदि भाई। तीन एक जैसे नाम बताइए। अयान, रयान, जयान। जयान कौन सा नाम होता है? ये मेरे भाई के तीसरे बेटे का नाम जयान। अच्छा, तुम्हारे भाई के तीसरे बेटे का नाम जयान। वेरी गुड, ये तुमने अच्छा इंडोर्स किया अपने बेटे, अपने भाई के बेटे को। तीन ऐसी चीजें बताएं जो गोल होती हैं। जो गोल होती हैं? दोबारा पूछो। पैजान। यस सर। तीन ऐसी चीजें जो गोल होती हैं। टायर, आइसक्रीम और शॉर्पनर। वो देख रहे हैं, लड़का पागल हो गए, आपस में खेल रहे हैं। अच्छा, हमारी दादी दादी तनख्वाह आई है ना। अच्छा जी, तीन ऐसे जानवर जो कि सिर्फ बारिश में बाहर निकलते हैं। Yes, sir. तीन ऐसे जानवर जो कि बारिश के बाद बाहर निकलते हैं। मेंढक, मच्छर, बकरी। मच्छर और बकरी, गलत जवाब। मच्छर और बकरी वैसे ही बाहर निकलते हैं, बारिश के बाद क्या बंदा बाहर निकलता है? तो बारिश के टाइम पे बाहर निकलते हैं ना, फिर तुम बताओ। मेंढक होता है, वो हेलीकॉप्टर होता है खास किस्म का, वो भी हर वक्त बाहर होता है। जी नहीं। परवाने। तीन पसंदीदा एक्ट्रेसेस के नाम बताइए। आशा खान, मानूर बलोच। आखिरी कौन थी? मारिया खान। मारिया वास्ती। मारिया वास्ती। मारिया वास्ती। तीन ऐसी चीजों के बताएं। ऐसी चीजों के बताएं। तीन ऐसी चीजों के बारे में क्या सवाल होता है? चीजें बताएं। तीन ऐसी चीजें बताएं जिसमें से बदबू आती है। यस सर। तीन ऐसी चीजें बताओ जिसमें से बदबू आती है। मुंह से जूते, बासी खाना। लिखा हुआ है। तीन कुछ नहीं है सेगमेंट से भाई, भाई। ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। तीन पसंदीदा एक्टर्स के नाम बताएं। एक्टर्स, इमरान अशरफ। ये तो दो हुए।
आदि भाई। यस सर। तीन पसंदीदा एक्टर्स के नाम बताएं। फैजल कुरैशी, फहद मुस्तफा, नुमान इजाज। वेरी गुड, ठीक है। तीन ऐसी चीजों के बारे में बताएं जो ठंडी होती हैं। फैजल, यस सर। तीन ऐसी चीजों के बताओ जो ठंडी होती है। आइसक्रीम, बर्फ और मौसम। अजय जी, तीन बिल्कुल ही यूजलेस चीजें जो आपके घर में मौजूद हैं। तीन क्या? तीन ऐसी यूजलेस चीजें जो आपके घर में मौजूद हैं। पुरानी साइकिल, वेट और पुरानी छतरी। वेरी नाइस, वेरी गुड। तीन ऐसी फिल्में जो कि बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ टाइम थी। आदि भाई, यस सर। आपसे सवाल नहीं हो सकता, आप फिल्में नहीं देखते, मुझे मालूम है। तीन ऐसी चीजें बताएं जिसमें हाथ डाल सकते हैं। पॉकेट, पॉकेट और पॉकेट। पॉकेट, पॉकेट और पॉकेट। आपने जवाब मान लिया ये? हाँ मान लिया। ओके, चले। अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं समझा मुझ पे आने वाली है। अच्छा जी, तीन ऐसी चीजें जो आप बचपन में खाया करते थे। बिस्किट्स, चॉकलेट्स, चूरन। चूरन। तीन ऐसी चीजें बताएं जो बहुत स्पाइसी होती है। Yes, sir! तीन ऐसी चीजें बता जो बहुत स्पाइसी होती है। चाट, अचार और बिरयानी। वेरी गुड। अच्छा, तीन ऐसी चीजें जिनमें भाई भाई करे। तीन ऐसी चीजें जिनसे आपको डायरिया हो सकता है। आदि भाई, yes, sir! तीन ऐसी चीजें जिनसे आपको डायरिया हो सकता है। बासी खाना, बहुत सारा दही और चीनी। बहुत सारा दही? मैं बहुत दही खा लूं तो मुझे डायरिया होता है। तो वो तो तुम्हारा मसला है, आमतौर पे नहीं होता ऐसा। तरबूज भी खाने से? तरबूज पे पानी पीने से? मछली पे दूध पीने से? मछली पे दूध पीने से क्या होता है पता है आपको? पता है क्या? मछली और दूध दोनों खत्म हो जाता है। वेरी गुड। अच्छा जी, तीन अपनी तीन बुरी हैबिट्स बताइए। गुस्सा कब आता है भैया? कभी भी आता है। अच्छा, गुस्सा और ज्यादा सोचना, गुस्सा, और इसमें हम टाइम का रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दिया। रिएक्ट फौरन कर जाता हूँ। फौरन रिएक्ट करते हैं? मतलब मतलब सोचना चाहिए मुझे। अच्छा, रिएक्शन से पहले सोचना चाहिए? नहीं, रिएक्शन मतलब किसी भी मूड में या सिर्फ वो गुस्से वाला रिएक्ट कर जाते हैं? नहीं, अच्छा सवाल है। किसी भी मूड में? किसी भी मूड में। अच्छा जी, तीन ऐसी चीजें जो आप अंधेरे में नहीं कर सकते। खाना नहीं खा सकता। आदि भाई, यस सर। तीन ऐसी चीजें जो आप अंधेरे में नहीं कर सकते। गाड़ी नहीं चला सकता। Very खाना good. नहीं खा सकता। Very कपड़े good. नहीं इस्त्री कर सकता। यार, so proud of you. तीन ऐसी चीजें बताएं कोई तीन ऐसी चीजें। कुछ भी बता देना। तीन ऐसी चीजें बताएं जिसमें से आवाज निकलती हो। वाह। तीन ऐसी चीजें बताओ जिसमें से आवाज निकलती है। गाड़ी, टीवी और बच्चा। वेरी गुड। बहुत डिसअपॉइंट हो गया भाई। तीन ऐसी चीजें जो आप इंटरव्यू पे नहीं कर सकते। अरे, ये सेगमेंट लंबा नहीं हो गया बाद। आदि भाई, तीन ऐसी चीजें जो आप इंटरव्यू में नहीं कर सकते। खारिश, उल्टी, गंदी बातें। यार, आप खारिश तो कर सकते हैं। नहीं नहीं, आपको खारिश हो रही है, आपको यहाँ तो कर सकते हैं। तो यहाँ वहाँ का तो नहीं बोला था आपने। पीठ पे हो रही है, पीठ पे तो नहीं खुला। तुम पूछो मुझसे कोई सवाल। आप अपने आपको 5 साल में कहाँ देखते हैं? यही नहीं होता। अच्छा जी, तीन फेवरेट को एक्टर्स। यशमा, अमना मलिक, अली अंसारी। ठीक है, वेरी गुड। आखिरी सवाल है, तीन डायरेक्टर्स जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। कोई टाइम नहीं है, छोड़ दो। डेविड फिंचर, क्लिंट ईस्टवुड, क्रिस्टोफर नोलन। क्लिंट ईस्टवुड। वाह, 30 फुट। क्लिंट 30 फुट नहीं, हाँ यार, क्लिंट 30 फुट। क्लिंट ईस्टवुड, बहुत ही मशहूर एक्टर भी, डायरेक्टर भी, अच्छा प्रोड्यूसर भी। वेरी गुड, फाइव पे बहुत अच्छा खेला। आइए, वेल डन। हाँ, आपने अच्छी मैनेज किया। तुम लोगों ने मेरा बजर बजा दिया यार। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा खेला, वेल डन। वरना मैं तुमसे सवाल करता, तीन चीजें ऐसी बताओ जो सूंघ के बता सकते हो गंदी है। सूंघ के बता सकते हो गंदी है? कचरा। काश भाई, मोजे। हम तो रोज करते हैं, जो आप हमारे प्रैक्टिस हुई भी है। अच्छा जी, अगले गेम में हम आपके साथ ये करने वाले जल्दी से कि हम आपको दुनिया का तमाम पैसा दे रहे हैं। सिर्फ गेम में आपने एक फिल्म प्रोड्यूस करनी है और उसकी कास्टिंग आपने करनी है। उसमें 6 कैरेक्टर हैं। आदि भाई बताएंगे कैरेक्टर्स कौन से आपने कास्टिंग करनी। पूरी दुनिया से लोग कास्ट हो सकते हैं क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है। जी आदि भाई, 6 कैरेक्टर। तीन बुढ़े। उफ अल्लाह। एक बुढ़िया है। वाह। एक छोटी बच्ची है। हाँ।
और एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी सिर्फ आवाज ये देखेगा कौन ओल्ड पीपल अच्छा जी तीन बुड्ढे एक बुढ़िया एक बच्ची और एक सांप है जिनकी सिर्फ आवाज है अच्छा एक में हो गया कबीर खान साहब अरे वाह क्या बात है हिट हो गई फिल्म पहले ही दूसरे में हो गए नुमान एजाज साहब लेकिन और आप ये कास्टिंग दुनिया में कहीं से भी कर सकते हाँ हाँ भाई उसमें भी तीसरे में हो गए एंथनी हॉपकिंस ये हो गए तीन कबीर खान साहब नुमान एजाज साहब और एंथनी हॉपकिंस बुड्ढी खातून एजेंट कर लो यार बुड्ढी बुड्ढी नहीं करो एजेंट खातून समीना अहमद वेरी गुड लड़की कितने साल की एज ग्रुप है पहले तो 17 की थी अब यहाँ से अब 18 हो गई होगी 17-18 साल हाँ। अभी हमारे साथ खेल खेल में लड़की आई है अनीशा खेल बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है वो जी 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 बड़ी बड़ी आंखें उसकी वो अनीशा ठीक है वो थिएटर करती नहीं है अच्छा काम करती है और एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी सिर्फ आवाज है आवाज अरे वाह खुद वेरी गुड प्रोड्यूसर आया ये ठीक है अब बताएं बजट भी कट डाउन हो गया हाँ अब बताएं फिल्म डायरेक्ट कौन करेगा हाँ ये सब सवाल है ओसामा अपने मुल्क का सैयद अली रजा ओसामा अरे वाह क्या नाम कोई इंग्लिश डायरेक्टर नहीं सैयद अली रजा ठीक है बिल्कुल ठीक है नाम क्या होगा इसका फिल्म का नाम हाँ जी अच्छा नाम रखा है माशाल्लाह आपने टाइम लगाएगा सोचने भाई सोच के नाम रखेंगे इतनी बड़ी बजट की फिल्म है अंडरलाइन वाह शूट का होगी ये वेरी इंटरेस्टिंग यार अब तुम लंबाइयां कर नहीं हम सबसे पूछते हैं हां सबसे पूछते हैं कोई लोकेशन ऐसी आपका यहां ज़हन में आपके क्योंकि आपने तो इतनी ट्रैवलिंग की हुई है आप बोले यार यहां जाके शूट करनी चाहिए ठीक है नहीं इलाका गैर में शूट होगी ये वही है जो कहते हैं हम तुम्हारे को गोली मार देगा फिर इलाका गैर चले वहां जाके वेरी गुड नहीं जी बहुत जबरदस्त जबरदस्त कास्टिंग जी कबीर खान साहब एंथनी हॉपकिंस नुमान एजाज साहब अनीशा उसमें मौजूद है समीना अहमद साहब मौजूद है और जो आवाज की वजह है ना हाँ कैरेक्टर्स की बात करते तो दे देता मैं हाँ वो एम्बेसी से आए हुए बनते एंथनी हॉपकिंस नुमान एजाज साहब जो है वो एक खुफिया एजेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते वाह 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 और कबीर खान साहब जो है वो पुराने रिटायर्ड जर्नल होते हैं लड़की वहीं की रहने वाली होती जिसको पढ़ने लिखने का शौक होता और उसकी जो दादी होती है वो समीना अहमद होती जो चाहती हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट को फैलाया जाए और वो भी यहाँ से क्या बात है यार ये प्लॉट स्ट्रक्चर पूरा वन लाइनर दे दिया उन्होंने तो प्लॉट स्ट्रक्चर था उसके बिहाफ जबरदस्त दैट वाजंट अ टुक्का बेसिकली बहुत जबरदस्त वेल डन थैंक यू सो मच आप टाइम निकाल कर आए हमें बहुत मजा आया उम्मीद करते हैं आपको भी मजा आया होगा बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे बुलाने के लिए टीवी वन का बहुत बहुत शुक्रिया खासतौर से अंजुम का बहुत बहुत शुक्रिया और आपके इस शो को चार चांद लगे मजीद और ये जो भी इस शो से रिलेटेड आपका नैरेटिव है इसको जिस्म आप दोनों ही फराम करते हैं इसे बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच आपके बहुत सारे चाहने वाले ये शो देखेंगे अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि आजकल फैब्रिकेशन बहुत है कॉस्मेटिक किस्म की अपने ज़ात अपने किरदार से रिलेटेड आप फेकनेस ना कायम करें जस्ट टू कि आपको आगे बढ़ना है सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की किरदार की ग्रूमिंग ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह कहा जाता है नफ्स अल्लामारा बिस्सू के तहत अपने नफ्स को आप बेटरमेंट उसके अंदर लेकर आएँ बाकी अल्लाह ताला खुद ब खुद राहें खोलेगा इंशाल्लाह फेक ना हो बस तुम भी फेक सिंपल लाइफ रखें सिंपल एंड सिग्निफिकेंट दैट्स इट कोई शशके नहीं बस वेरी गुड आदि भाई आपको मैसेज देना चाहते हैं मेरा आज का मैसेज ये है कि बस जितने भी लोग सड़क पे हैं चाहे वो पैदल हैं चाहे वो बाइक पे हैं चाहे वो बस में हैं चाहे वो रिक्शे में प्लीज अपने अंदर थोड़ा सा सब्र और सुकून ले आए चलाने वाले भी सफर करने वाले भी सब लोग ये हमारे यहाँ बड़ा अजीब सा एक कल्चर मैंने देखा कि बस चलती भी जा रही होती है और उसी से उतर जाते हैं और चलती में ही चढ़ जाते हैं उसमें पैर भी फिसल जाता है सिग्नल अभी ग्रीन नहीं होता तो पाँ पूँ पाँ शुरू कर देते हैं कोई बंदा अगर पैदल सड़क क्रॉस कर रहा है तो रेस देके गाड़ी तेज कर लेते कि वो रुक जाए जो सड़क क्रॉस कर रहा है उसको भी रोड के बीच में से क्रॉस करना है सीढ़ी पे नहीं चढ़ना तो प्लीज थोड़ा सा अपने अंदर सब्र ले आए इससे बहुत पीस हो जाएगा इससे बहुत सुकून हो जाएगा और आपकी जान जो है वो हिफाजत में रहेगी उम्मीद करते हैं जी आपको हमारा शो पसंद आया और अगर पसंद आया तो अगले वीक भी ट्यून इन कीजिएगा जाने से पहले काशिप भाई आप हमें क्या सुनाने वाले सज्जाद भाई का गाना अरे वाह सज्जाद भाई का गाना
हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आर मोहम्मद आलम। मैं आ रहा हूँ मजेदार शो विद हादी और फैजान के साथ, ओनली ऑन टीवी वन। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो।